गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन. जी हाँ गाइज, स्वागत है आप सबका, हार्दिक स्वागत है आप सबका. एंड तैयारी कर लीजिए गाइज, बिकॉज पीसी क्लाइंट आ चुका है. जी हाँ गाइज, पीसी क्लाइंट आ चुका है एंड वी आर सपोज टू गो लाइव. एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको पता ही है कि इंडिया वर्सेस नेपाल का एक ही दिन का इवेंट था. जैसा कि आपको पता है, वहाँ पे नेपाल से दो टीमें और भारत से दो टीमें खेली थी. आरएनएक्स एंड टीएसजी खेले थे और दोनों ही भारतीय टीमों ने क्वालिफाई कर लिया. तो सबसे पहला जो ग्रैंड फाइनल है वो इंडिया वर्सेज नेपाल वाले उस क्लैश क्वाड टूर्नामेंट का है. उसके बाद हम मार्कोस के सेमीफाइनल में आएंगे, जहाँ पे आरएनएक्स और पीवीएस गेमिंग एक दूसरे का सामना करेंगे. उसके बाद सीधा ग्रैंड फिनाले में मुकाबला करेगी वो टीम जो पीवीएस और आरएनएक्स में से जीत कर टू साइड गेमर्स के खिलाफ खेलेंगी. बुरी खबर ये है कि ओरेंगुटान अवेलेबल नहीं है, फ्री नहीं है एंड वी आर सपोज टू रैप अप द टूर्नामेंट विद इन 25th. तो गाइज इतना टाइम नहीं है, कल या आप कह सकते हो आज रात को 4 बजे की ट्रेन से मुझे मुंबई जाना है टू फिनिश अप दिस इवेंट इन मुंबई इन द यूनिवर्सल स्टूडियोज ऑफ क्रिटिकल एक्स. तो उम्मीद करते हैं कि बाकी सारी चीजें सही रहें. प्लीज स्टार्ट द मैच नंबर 1 ऑफ द ग्रैंड फाइनल्स, इंडिया बनाम नेपाल का मार्कोस इन्विटेशनल का. सीधा चलते हैं खेल में गाइस. नया पीसी क्लाइंट आ चुका है दो ही दिन में नया पीसी क्लाइंट आ चुका है. थैंक यू सो मच गरीना फ्री फायर टीम, थैंक यू सो मच गरीना फ्री फायर सिंगापुर टीम. एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस यू हैड प्रोवाइडेड दिस पीसी क्लाइंट, वी विल बी सो ग्रेटफुल टू यू. थैंक यू सो मच गरीना फ्री फायर टीम, थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर सपोर्टिंग अस रेगुलरली. आपके बिना ये सारी चीजें असंभव है. थैंक यू सो मच पीपल जो ई स्पोर्ट्स के दीवाने हैं. एंड लुक एट दैट रावण भाई, यहाँ पे एक खतरनाक मंजर दिखता हुआ. ये देखिए शुरू हो गए, कनिष्क शुरू हो चुके हैं. जी हाँ गाइस, इट्स इंडिया वर्सेस नेपाल मार्कोस ग्रैंड फिनाले, जहाँ पे दोनों भारतीय टीमें ही क्वालिफाई करके पहुंची थी. आरएनएक्स ई स्पोर्ट्स बनाम टू साइड गेमर्स. जी हाँ गाइस, औरों का तो पता नहीं, तेरे इलाके में अपुन को लेजेंडेज बोलते, टीएसजी ओपी बोलते, टीएसजी सबकी खोपड़ी खोलते. ओ माय गॉड रण भाई, फिनाले और गूजबम पाते हुए मुझे. एक तरफ यंग सेंसेशन जय और युग, और उनके सामने आप कह सकते हो अब तक का आता हुआ युग फ्री फायर के इतिहास के सबसे सबसे खतरनाक रशेज में से एक टीएसजी लेजेंड. आज अगर युग और जय को यह चैंपियनशिप जीतकर एक बार फिर से लोगों की नजर में अपनी रिस्पेक्ट कमानी है, जय अब तक एक इवेंट में 15 किल अकेले ठोककर वो मान सम्मान कमा चुके हैं, आज युग की बारी है. क्या सामने खड़े इनके आइडल टीएसजी लेजेंड के सामने दो दो हाथ कर पाएंगे टीएसजी लेजेंड योग और जय जैसे कई असोल्टर्स के आइडल आज आमने सामने. अग्नि परीक्षा रावण भाई, रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच, जहां पे आज फाइनली देखने को मिलेगा एक तरफ लेजेंड है तो दूसरी तरफ जय और युग. रोहन कुमार को मुकाबला करना पड़ेगा यहां पे ब्लैकी और कनिष्क का, और एक्स फैक्टर साबित होंगे पवन, हमारे गुजरात के ही नवसारी से पवन. और यहां पे ये लीजिए लेजेंड को भी नॉक कर दिया युग ने, अकेले दो खिलाड़ी नॉक कर दिए, युग ने अकेले दो खिलाड़ी नॉक किए थे और हुमार चली. और इसी के साथ यहां पे डबल किल युग का, सिंगल किल कुमार और रोहन की ओर से 1-0 से आरएनएक्स स्पोर्ट्स इन अ लीड. हुज द बेस्ट, हुज द बेस्ट, आरएनएक्स, आरएनएक्स मुकाबला करते हुए टू साइड गेमर्स टीएसजी लेजेंड. और ये शेडो प्रैक्टिसिंग शुरू, लेजेंड यहां पे तैयार हैं. जी हाँ गाइस, लेटेस्ट न्यूज यही है कि पीसी क्लाइंट इस बार दो ही दिन में प्राप्त हो गया. थैंक यू सो मच टू गरीना फ्री फायर टीम एंड गरीना फ्री फायर सिंगापुर टीम, जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हमारा ये काम जल्दी से जल्दी करवा के दिया. ऑन यू नो शॉर्टेज ऑफ द पीसी क्लाइंट एंड ऑन हैवी पब्लिक डिमांड फॉर द ई स्पोर्ट्स, थैंक यू सो मच गाइज. दो ही दिन में क्लाइंट मिल गया रावण भाई. कई लोग अंदाजे लगा रहे थे शायद इस बार मिलने में वापस 1 महीना लग जाए, मैंने पहले ही बोला था ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, विद इन 4 दिन मिल जाता है और इस बार तो 2 ही दिन में मिल गया. रोहन आगे बढ़ते हुए, तभी मैं कहता हूँ गाइस पेशेंस रखिए,
सबर रखने में बहुत ताकत है। रोहन, रोहन सामने खड़े हैं, कनिष्क, रोहन और दिक्कत में डाल सकते हैं ये। युग, युग का मुकाबला कनिष्क, युग बनाम कनिष्क। युग बनाम कनिष्क का मुकाबला चलता हुआ यहाँ पे देखने वाली बात होगी किस तरीके से आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स के प्लेयर्स यहाँ पे पार कर पाते हैं इस मुकाबले को। जय को देखिए अकेले गए हैं, जय अकेले गए, उन्हें पता है ब्लैकी का पोजीशन क्या है। जय को जाके अकेले ब्लैकी को यहाँ पे फिनिश करना पड़ेगा, होमार चलानी पड़ेगी, पीछे की तरफ प्लेयर मौजूद है और होमार चला के खिलाड़ी को स्लो कर, और जय फंस गए। अकेले जाना महंगा पड़ा, अकेले जाना महंगा पड़ा। अब लेजेंड भी नॉक हो चुके हैं, एक कमबैक करने का मौका है कुमार और युग के पास, यहाँ पे इकलौता मौका मिलेगा। मैक 10 है, नॉर्मली यूएमपी के लिए जाने जाते हैं युग, बट इस बार मैक 10 से हमला करते हुए कनिष्क भी नॉकआउट हो चुके हैं। पवन द स्नाइपर एक्सपर्ट, द डेंजरस एथलीट फ्रॉम द टू साइड गेमर्स, प्रेशर में लाते हुए सामने वाली टीम को। कुमार, रोहन, कुमार और युग, ब्लैकी के ऊपर डैमेज जरूर आया है। युग क्या रश करने में कामयाब होंगे, ऊपर की तरफ भी प्लेयर मौजूद है। एक बार फिर से लेजेंड का किल सिक्योर कर लेंगे युग, युग और युग को ब्लैकी ने यहाँ पे नॉक कर दिया। ब्लैकी बिल्कुल अकेले, ब्लैकी बिल्कुल अकेले, हेल्थ नहीं है ब्लैकी के पास। यहाँ पे ताबड़तोड़ हमला करने की कोशिश रोहन और कुमार द्वारा, ब्लैकी को अगर मेडिकेट लगाने का मौका दिया तो ब्लैकी क्लच कर सकते। कमाल के एथलीट हैं यहाँ पे एएफएफ ब्लैक। क्या यहाँ पे रश किया जाएगा? बिल्कुल रश किया जा रहा है। ब्लैकी विडो वुड पेकर, रोहन बाल बाल बचे, ये नॉकआउट अगर मिलता महंगा पड़ सकता था। ये भी गोपा, कुमार, कुमार नॉक हो गए। रोहन, रोहन, रोहन ने यहाँ पे हेडशॉट से ट्रिपल किल करके 2-0 की बढ़ोतरी दिला दी है यहाँ पे नन अदर देन आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स को। आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स ने यहाँ पे आग लगा के रखी है, लेकिन हम बिल्कुल ये नजरअंदाज नहीं कर सकते सामने की तरफ ब्लैकी और लेजेंड जैसे कुछ कमाल के खिलाड़ी मौजूद हैं। जी हाँ गाइज, टू साइड गेमर्स आमची मुंबई ची टीम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए जानी जाती है। इस पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेंस दिखाया है यहाँ पे टू साइड गेमर्स ने, जिस तरीके से नेपाली टीम्स के खिलाफ मुकाबला किया था इन्होंने, सबको याद है आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स थोड़ी सी स्लो स्टार्ट थी लेकिन सदी हुई शुरुआत। यहाँ पे टीएसजी तेजी से आगे बढ़ते हुए, डोमिनेंस इनका देखने लायक। टू साइड गेमर्स को रोकना बहुत ही मुश्किल। एक बार फिर से होमार का खुमार चला, कनिष्क एक बार फिर से नॉक हुए हैं, लेजेंड ने भी अब यूएमपी उठा लिए। कुमार नॉक और ईट का जवाब पत्थर से, लेजेंड ने ईट का जवाब पत्थर से दिया, टीएसजी ने कहा बहुत हुआ। और ये लीजिए ट्रिपल नॉक, ट्रिपल नॉक, लेजेंड बापू ने जाए। और यहाँ पे अगर आप देखें डबल किल मिला है, क्योंकि लेजेंड का एक किल शायद यहाँ पे अगर आप देखें तो शायद उन्हीं के टीममेट ने ले लिया, लेकिन टीएसजी लेजेंड ने यहाँ पे बता दिया आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स को इतना जल्दी नहीं। जी हाँ गाइस, टीएसजी लेजेंड यू ब्यूटी, औरों का तो पता नहीं, तेरे इलाके में अपन को लेजेंड इज बोलते। और ये जो इलाका है ये लेजेंड का इलाका है। क्लैश स्क्वाड डोमिनेंस दिखाई है यहाँ पे, एक ऐसी खतरनाक टीम टीएसजी जिसको रोकना असंभव, लेकिन आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स ने ये बीड़ा उठाया है। कल के आए हुए यंग लड़कों के ऊपर जिम्मेदारी फ्री फायर के सबसे खतरनाक तरीन प्लेयर्स के खिलाफ ये मुकाबला जीतने के लिए। वॉल की स्पीड देखिए, लेजेंड को समझ नहीं आ रहा, और लेजेंड ने दिया फटका। लेजेंड ने कहा बच्चों यहां पे आपकी नहीं चलने देंगे। ब्लैकी आगे बढ़ते हुए और रिवाइव मिल जाएगा लेजेंड को। लेजेंड ने आग लगा के रखी है, लेजेंड ने आग लगा के रखी है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जय, जय एक बार फिर से रिवाइव मिल जाएगा। आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स को संभलने का मौका मिल रहा है। लेजेंड विद द डबल बैरल, लेजेंड एक बार फिर से डबल बैरल के साथ मौजूद। हील कर गए तो दिक्कत में डाल देंगे, और एक बार फिर से डबल किल। जी हाँ गाइस, टू साइड गेमर्स कहना पड़ेगा, दस बहाने करके ले गए दिल। नहीं, क्रिंज हो गया, क्रिंज हो गया। ची 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 ची, फिर रोस्ट कर देगा कोई। ओके, यहाँ पे 2-2 की बराबरी हो चुकी है टू साइड गेमर्स और आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स के बीच में। इंडिया बनाम नेपाल का ग्रैंड फाइनल, इंडिया बनाम नेपाल का ग्रैंड फाइनल चल रहा है टू साइड गेमर्स का। तो देखने वाली बात होगी गाइस, किस तरीके से प्लेयर्स यहाँ पे सक्सेस हासिल कर पाते हैं। आर पार की फाइट चल रही है यहाँ पे, कमाल का मुकाबला चलता हुआ।
टीएसजी फिर से तेजी से आगे बढ़ते हुए वॉल लगाई, हेडशॉट की कोशिश थी लेजेंड द्वारा, ये डब्ल्यूएम भी उठा लिया लेजेंड ने, डैमेज हो चुके हैं जय युग, तेजी से आगे बढ़ते हुए युग और कनिष्क के ऊपर करारा शॉट युग का। ओके पहला किल जरूर किया है लेकिन सामने से आते हुए लेजेंड का कोई जवाब नहीं, लेजेंड एक बार फिर से अंदर गए, लेजेंड शॉट मिस करते हुए, ओ माय गॉड व्हाट अ हेडशॉट बाय लेजेंड, और यहां पे टू साइड गेमर्स ने क्लास ले ली। आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स फायर पावर आपके पास बहुत होगा लेकिन टीएसजी लेजेंड और ब्लैकी के पास कोऑर्डिनेशन है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। फायर पावर जरूर आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स के पास है और देखिए क्या कमाल की रणनीति, जहां से आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स के जय जा रहे हैं वहां पे किल ही नहीं दे रहे। पांच राउंड हो गए, जय को अब तक एक भी किल नहीं मिला है। इट्स अ वेरी नाइस स्ट्रेटेजी, डबल बैरल और एडब्ल्यूएम उठा के रखे, उनको पता है कि अगर आरएनएक्स को रोकना है तो स्नाइपर लगाइए उनके पीछे, क्योंकि अगर ये टीम रश करने में कामयाब हो गई तो क्लोज रेंज में किसी भी टीम की बकिया उधेड़ सकती है। टीएसजी लेजेंड एक अच्छी रणनीति के तहत आए हैं, आरएनएक्स ने अगर टीएसजी पे होमवर्क किया, गेस व्हाट, टीएसजी ने भी बिना हल्के में ना लेते हुए आरएनएक्स पे भी होमवर्क किया है। यहाँ पे उन्हें अच्छे से पता है किस तरीके से यहाँ पे इलाज किया जाता है यंग सेंसेशंस का। जय ऊपर जाते हुए, जय बनाम लेजेंड और इस बार शॉट मिस हो जाएगा, श्रिंक आता हुआ लेजेंड के पास, यहाँ पे काफी अनुभव, यहाँ पे कुमार को अगर आप देखें क्या बात है, रोहन जय और युग तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए, लेजेंड एक बार फिर से होमार चली है स्लो डाउन करने की कोशिश, नीचे की तरफ उन्हीं के टीममेट बैठे हुए हैं, लेजेंड क्या ऊपर जा पाएंगे, यहां पे अगर आप देखें लेजेंड को अच्छे से पता है, जय ऊपर की तरफ मौजूद है, होमार फिर से चलाकर स्लो कर दी गई है लेजेंड को, क्या यहाँ पे स्काइलर चलेगी या लेजेंड पीछे हटेंगे, जवाब है लेजेंड पीछे हटेंगे, 2v4 लड़ना है और अब आरएनएक्स के पास पूरा पूरा मौका, स्नाइपर एक्सपर्ट पवन और लेजेंड अकेले जीवित हैं, शॉट अच्छी थी लेकिन नॉक कर दिया जाएगा, और अब 1v3 लेजेंड, टीएसजी लेजेंड 1v3, टीएसजी लेजेंड 1v3 और इस बार आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स की ओर से दमदार वापसी, एक तरफ नए युग के सितारे, दूसरे तरफ कहना पड़ेगा गाइज अब तक के सबसे बड़े सितारे, जी हां गाइज 3-3 पहला मैच चलता हुआ, टू साइड गेमर्स बनाम आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स एट द ग्रैंड फिनाले ऑफ नन अदर देन द इंडिया वर्सेस नेपाल एनकाउंटर। वाओ दिस हैज बीन ब्रिंग टू द वायर, 3-3 की बराबरी, पहला ही मैच चल रहा है, काफी क्रूशियल मुकाबला और पीसी क्लाइंट मिल चुका है, सबसे बड़ी बात पीसी क्लाइंट मिल चुका है, इस बार दो ही दिन में मिल गया, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया गरीना टीम का और ऑडियंस का जिन्होंने हमेशा सपोर्ट दिखाया, थैंक यू सो मच गाइज। लेजेंड यहाँ पे कोच करते हुए, गाइज सब्सक्राइब कर दीजिए, वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, उसके ऊपर क्लिक करके जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल्स को जरूर दबाइएगा। रोहन आगे बढ़ते हुए, जय युग और कुमार एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए, कुमार से आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए, कुमार लेजेंड ब्लैकी पवन और कनिष्क, जय रोहन एक बार फिर से, जय आगे बढ़ते हुए और यहाँ पे ब्लैकी नॉक, जय और रोहन दोनों नॉक, एक बार फिर से पूरा प्रेशर यंग सेंसेशन मुंबई के ही युग के ऊपर, युग बनाम सामने की तरफ खड़े हैं कनिष्क, फिर से 2v4 यहाँ पे खेलना पड़ेगा, इस बार लेजेंड कोई मौका देने के मूड में नहीं है, युग को अकेले यहाँ पे बाजी मारनी पड़ी, बाई तरफ से प्लेयर आता हुआ युग को पता नहीं है, पीछे से लेजेंड आ गए, लेजेंड बनाम युग, युग बनाम लेजेंड और होमार चला दी लेजेंड ने, लेकिन उसके बावजूद भी युग ने लेजेंड को नॉक कर दिया हेडशॉट से, दैट्स वेरी नाइस, मेडिकेट लगानी पड़ेगी, एक मेडिकेट तो लगा लिया, एक और मेडिकेट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, शायद मेडिकेट लगाने में असंभव रहते, चलिए यहाँ पे लेजेंड के उस करेक्टर स्किल यूज करने के बाद कहीं ना कहीं युग बंधे हुए थे होमार में, लेकिन अब होमार का कुमार भी युग को नहीं रोक पा रहा है,
लेजेंड जरूर एलिमिनेट हुए हैं, लेकिन मैन टू मैन एडवांटेज याद रहे अभी भी टू साइड गेमर्स के पास। पहला मैच इंडिया बनाम नेपाल के मार्कोस क्लैश क्वाड फिनाले का युग, लेजेंड की ओर से डबल बैरल इन्होंने पिकअप कर लिया और मैक 10 इनके पास पहले से है। ईडब्ल्यूएम पे भरोसा नहीं दिखाया है, ईडब्ल्यूएम के लिए जाने भी नहीं जाते। अंदर की तरफ तीन प्लेयर्स, आखिरी जोन अंदर ही बनता है। कुमार दोनों तरफ से अगर चली तो फंस जाएंगे युग। कुमार चलाने की कोशिश करे कि ऊपर से वहां पे अच्छा बैकअप दिया गया है, अच्छा बैकअप दिया गया है, दो प्लेयर्स हैं वहां पे। ओ भाई साहब क्या बात है, एक प्लेयर नॉकआउट है लेकिन ब्लैकी को रोकना बहुत मुश्किल। और बहुत ही बढ़िया डबल बैरल का शॉट, 4-3, 4-3। अकेले युग और कुमार ने मिलकर 2 vs 4 यहां पे क्लिंच कर लिया ये राउंड। ये तो ऐसा लग रहा है चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, कभी टू साइड गेमर्स बाजी मार रही है, कभी RNX e-sport, दोनों ही टीमें लाजवाब टीमें, एक दूसरे के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन, कनिष्क का खाता नहीं खुला। ये थोड़ा प्रेशर में लाने वाली बात TSG को, क्योंकि 7 राउंड के बाद भी अगर कनिष्क का खाता नहीं खुला है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ जय आज उतना ज्यादा शुरुआती पलों में किल नहीं कर पाए, लेकिन युग और कुमार ने मिलकर अभी तक 6-6 किल करके कहीं ना कहीं RNX को इस वक्त लीड में ला के रखा हुआ है 4-3 से। TSG 3 पॉइंट, RNX e-sports 4 पॉइंट। पहला मैच चलता हुआ आमने सामने की लड़ाई ऑब्जर्वेटरी पे, अब छिड़ा है जंग का मैदान। आगे बढ़ते हुए RNX e-sports, जय रोहन युग, ताबड़तोड़ मुकाबला चलता हुआ। लेजेंड ब्लैकी पवन और कनिष्क मुकाबला कर रहे हैं रोहन, जय युग और कुमार से। लेजेंड ब्लैकी पवन कनिष्क रोहन जय युग और कुमार आमने सामने की लड़ाई है। क्या यहां पे RNX e-sports और TSG का मैच एक बार फिर से डाउन टू द वायर जाएगा? लेजेंड भली भांति जानते हैं सामने एक अच्छी टीम है, अपनी टीम को होमवर्क भी कराया है उन्होंने, उन्हें अच्छे से पता है कि कितनी डेडली साबित हो सकती है RNX e-sports। दोनों ही टीमें अपने क्लैश क्वाड के प्रैक्टिसेस पेड कस्टम्स में करती हैं, लेकिन आज आप कह सकते हो एक तरीके से कमाल का मुकाबला चलता हुआ। ब्लैकी बॉन और कनिष्क मुकाबला करते हुए RNX e-sports से रोहन जय युग और कुमार, शॉट लेकिन नहीं, बात नहीं बनेगी, जय नॉकआउट हो गए। अच्छी कोशिश थी, लेजेंड के पास मौका, ट्रैक शॉट में सोता हुआ, थोड़ा सा इनस्कोप लगाने की कोशिश करी थी। ऊपर खड़े कुमार टिकट डाल सकते हैं, चलिए लेजेंड ने पहला किल यहां पे ला तो दिया, लेकिन ऊपर खड़े कुमार कहने के प्रेशर बनाएंगे। रोहन नॉक है, युग को रोकना अति आवश्यक है, अगर जीतना है तो पहले युग को रोकें। देखते हैं क्या होने वाला है यहां पे। आमने सामने का मुकाबला, कुमार कुमार नीचे की तरफ गए थे और लेजेंड ने एक बार फिर से 4-4 की बराबरी करा दी, 4-4 की बराबरी करा दी यहां पे। कुमार रोहन जय और युग ताबड़तोड़ मुकाबला करते हुए, टू साइड गेमर्स यहां पे 4-4 की बराबरी करा चुके हैं। जी हाँ गाइस, लेटेस्ट न्यूज यही है कि क्लाइंट लौट आया है, हल्का सा ऊपर रखना पड़ेगा, वो तो ठीक है यार, ये थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाता है तो ब्रांडिंग करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। रेडबुल वाला लोगो लगाऊंगा कहाँ मैं, वो समझ नहीं पा रहा हूँ, नीचे लगा देता हूँ। हाँ ये यहाँ सही रहेगा, यहाँ सही रहेगा, वरना फिर देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है। चलिए तो गाइस देखते हैं क्या होने वाला है, आपको क्या लग रहा है गाइस, कौन सी टीम जीत कर जाएगी यहाँ पे? ओजी के बारे में क्लियर कर दो रॉकी मामू। ब्रो ऐसा है ओरेंगुटान एक दिन में 3 से ज्यादा टूर्नामेंट नहीं खेलेगी, ऐसा ओरेंगुटान के एंड से जो है बात आई है, तो उस हिसाब से ओरेंगुटान का शेड्यूल फ्री नहीं बन पा रहा था, एंड
लगभग 4-5 दिन हम लोग लेट शेड्यूल से चल रहे हैं, और कैसे भी करके ब्रांड से कमिटमेंट है कि 25 तारीख से पहले टूर्नामेंट फिनिश अप करना है, तो बिल्कुल डेडलाइन पे हम हैं। तो आज अगर फाइनल कंप्लीट नहीं होता तो गाइज फिर आप कह सकते हो कि स्पॉन्सर जो है बाकी के प्राइस पूल देने से शायद कतराते, तो दैट्स वाई हमने रिस्क नहीं उठाया। एंड ओरेंगुटान का शेड्यूल फ्री नहीं था आज, तो दैट्स वाई ओरेंगुटान इस टूर्नामेंट में बाई हो चुकी है। बाई मतलब ओरेंगुटान जिनके अगेंस्ट में थी उस टीम को बाई मिल चुका है, दैट टीम इज टू साइड गेमर्स। जैसे कि आपको पता है ओजी बनाम टीएसजी होना था बट शेड्यूल फ्री नहीं हो पा रहा था, और बहुत ही करारा शॉट, बैक टू बैक दो नॉक, बैक टू बैक दो नॉक दे दिए लेजेंड ने। लेजेंड क्या टॉप नॉच फॉर्म में भाई, क्या टॉप नॉच फॉर्म में। कर यहाँ पे कहना पड़ेगा सामने वाली टीम की हालत खराब, और 5-4 से टू साइड गेमर्स अब लीड पे आ चुकी हैं। टीएसजी को रोकना असंभव साबित हो रहा है यहाँ पे गाइस, जिस तेजी से यहाँ पे पिटाई हो रही है। ओजी का मैच कब है रॉकी बाबू? आज रात को। ओरेंगुटान का मैच आज रात को है गाइस, ओरेंगुटान इलीट का मैच आज रात को ग्रैंड फाइनल्स में फुल मैप में आपको देखने को मिलेगा। फुल मैप में आपको ओरेंगुटान का मैच आज रात को ग्रैंड फाइनल्स में देखने को मिलेगा। ओजी का सीएस कब है? ओरेंगुटान सीएस में अब नहीं है ब्रो, बिकॉज ओरेंगुटान का शेड्यूल फ्री नहीं हो पा रहा था, एंड वी आर रनिंग इन अ वेरी लेट शेड्यूल, बिकॉज ऑलरेडी 5 दिन हम लेट चल रहे हैं शेड्यूल से। 20 तारीख को रैप अप करना था, 25 तारीख हो चुके हैं, तो फिर जो है ब्रांड नाखुश हो सकती है। दैट्स वाई 5 दिन लेट नहीं कर सकते हम लोग, दैट्स वाई बाई देने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं था हमारे पास। एक बार फिर से ताबड़तोड़ हमला, कुमार आगे बढ़ते हुए जाए रिवाइव देते हुए, पवन बिल्कुल अकेले हैं, और बहुत ही बड़ी, अरे गलत बंदे पे एम चली गई, गलत बंदे पे एम चली गई पवन की, वरना यहाँ पे मुसीबत में आ सकती थी आरएनएक्स। देखने वाली बात होगी क्या आरएनएक्स ई स्पोर्ट्स यहाँ पे एक बार फिर से 5-5 की बराबरी कर पाएंगे जो दिख रहा है पहली नजर में। तो प्लेयर्स नॉकआउट है वहां पे, युग रश करते हुए सीधा, और युग को नॉक कर दिया पवन ने, युग को नॉक कर दिया पवन बनाम रोहन, पवन बनाम रोहन ज्यादा डैमेज नहीं दे पाए थे युग। डबल किल, डबल किल करने की कोशिश यहां पे अब पवन की भी, सामने से आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स कर चुके हैं डबल किल। पवन के पास ड्यूअल्स तो काफी हैं, लेकिन क्या बात बनेगी। शॉर्ट मिस, राइट हैंड साइड से भी प्रेशर आता हुआ, आखिरी ग्लू वॉल भी लगाई, शॉट एक नॉक, और यहां पे ट्रिपल किल। इसी के साथ 5-5 की बराबरी, आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स और टू साइड गेमर्स की आर पार की लड़ाई। ऑफिशियल कब आएगा रॉकी भाई? कोई न्यूज जब आएगा तभी बता पाऊंगा, अभी तो मैं बिल्कुल भी इस बारे में कोई नॉलेज रखता नहीं हूं। रॉकी भाई किसी ने माफियाज का 29 किल का सिंगल मैच का रिकॉर्ड तोड़ा है? नहीं अभी तक तो नहीं तोड़ा, अभी तक तोड़ा नहीं, और मुझे लगता भी नहीं कोई तोड़ पाएगा। 29 किल्स कांट बी ब्रोकन, मुझे नहीं लगता 29 किल से ज्यादा कोई कर पाएगा। एक मैच में 30 किल मतलब हद ही हो गई। एक मैच में 30 किल तो आज तक किसी ने करा नहीं, और बहुत बढ़िया शॉट आरएनएक्स जय का, बहुत ही गजब का शॉट। एक बार फिर से जाए जाए जाए, और यहां पे लेजेंड बहुत बढ़िया हेडशॉट। टीएसजी लेजेंड 1v3, टीएसजी लेजेंड एक बार फिर से डबल बैरल्स के साथ, एक बार फिर से टीएसजी लेजेंड 1v3 अभी भी है। योग बनाम लेजेंड ट्रैक शॉट मिस, टीएसजी लेजेंड एक बार फिर से, और इस बार योग का हेडशॉट ट्रिपल किल के साथ 6-5, 6-5 हो चुका है स्कोर लाइन पहले ही मैच में। मामू रॉकी भाई बॉट वॉचिंग बोलने वाले आने वाले होंगे, इग्नोर कर देना। किस बात की बॉट वॉचिंग? उनको भाई 2000 की वॉचिंग में क्या बॉट वॉचिंग भाई, 1 मिलियन से ज्यादा का मेरा चैनल है भाई, 2000 की वॉचिंग में बॉट लगाता है कोई है? लाइक तो देखो, जिसको आना हो आने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अब फुल इग्नोर मारता हूं भाई।
लोगों को समझना पड़ेगा, मैं वन ऑफ द वेरीफाइड क्रिएटर्स हूँ। अगर मैं ऐसी चोरी चकारी करता हूँ तो मेरे को कोई लेगा नहीं, अगर ऐसी ही सब चीजें करूंगा तो। मैं तब भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, जिसको भी हुई गलतफहमी हुई, ठीक है, जिसको भी हुई गलतफहमी हुई, इससे ज्यादा इस मैटर में बोलना कुछ मेरा फैक्ट बनता नहीं है। लेजेंड ब्लैकी, पवन और कनिष्क, देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे। देखिए कि आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स इस वक्त लीड में, एक और राउंड जीती तो पहला मैच जीतने में कामयाब हो जाएगी आरएनएक्स की टीम। लेजेंड आगे बढ़ते हुए, कुमार को नॉक जरूर किया था लेकिन रोहन ने स्नाइपर से सही मौके पे बैकअप दे दिया, सही मौके पे बैकअप दे दिया, कुमार को रिवाइव भी मिल जाएगा। अच्छी रणनीति, बहुत अच्छी रणनीति। ब्लैकी, पवन और कनिष्क के पास यहाँ पे मौका जरूर है लेकिन अब मैन टू मैन एडवांटेज आरएनएक्स के खाते में। रोहन आगे बढ़ते हुए, जय युग कुमार, ब्लैकी, पवन और कनिष्क, कुमार नॉकआउट हो चुके हैं, युग, जय और रोहन, ब्लैकी, पवन एंड कनिष्क तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए। कोशिश है कनिष्क को रोकने की, नहीं कनिष्क को रोक नहीं पाएंगे, सामने से पवन का बैकअप अच्छा रहेंगे, पवन भी अब डैमेज हो चुके हैं, आगे बढ़ना पड़ेगा, पवन के पास नहीं है ग्लू वॉल्स, गए, और हाइट का पूरा एडवांटेज उठाया है, पूरा पूरा एडवांटेज उठाया आरएनएक्स ने। कनिष्क के ऊपर हमला, रेट ऑफ फायर स्लो हुआ, कनिष्क फिर भी नॉकआउट हो जाएंगे, बहुत बढ़िया ड्रैग लगाई है ब्लैकी, दो ग्लू वॉल्स इनके पास भी है, आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स के एक प्लेयर एलिमिनेट होने वाले हैं, जय शायद लुक फिर से ऊपर पहुंचे, ब्लैकी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, बचना मुश्किल, आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स ने यहां पे पहला मैच जीत लिया है, मुबारक हो आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स, पहला मैच जीता है, क्या इंडिया बनाम नेपाल का चैंपियनशिप भी जीत पाएगी आरएनएक्स? अब तक सिर्फ इनकी जो है तारीफें हुई है लेकिन क्या आज वाहवाही मिलेगी इनको? पहला मैच शानदार थे, कांटे की टक्कर थी, कई बार लेजेंड और ब्लैकी ने मिलकर आरएनएक्स की धज्जियां उड़ा दी थी लेकिन उसके बाद वहां पे जैसे ही युग कुमार के साथ जय का और रोहन का बैकअप आया है उसके बाद ज्यादा सेटल डाउन होने को मिला नहीं है। एंड पूछ लेते हैं whether everyone is ready or not. Yes, we can start the match. Start कर दीजिएगा। शायद वो 30 सेकंड आ रहा होगा, 30 सेकंड के बाद स्टार्ट हो जाएगा। माओ फेक डैमेज प्रॉब्लम, पिंग 18 से 40 में भी, ठीक है। समोसा खाओगे रॉकी? आप खाइए सोहम, अभी लाइव पे समोसा खाऊंगा ना डकारे आएंगे तो कास्टिंग में अच्छा नहीं लगता है वो चीज है, ठीक है। फेक डैमेज का प्रॉब्लम, ठीक है ठीक है ठीक है। यूट्यूबर्स का टूर्नामेंट कब होगा आपके चैनल पे रॉकी भाई? नेक्स्ट मंथ होगा, अभी नहीं, क्योंकि ओरेंगटन ने माफिया से पहले 29 किल किए थे रोहित के चैनल पर वीडियो। ओके, पहले का तो मुझे नहीं पता लेकिन 29 किल माफिया का है वो तो मेरे को मालूम है, तो 29 किल का तो मेरे को पता है उनका रिकॉर्ड, माफियास का 29 किल का रिकॉर्ड। भाई जिसके पास फौजी अजय जैसा कैप्टन हो भाई क्या ही रोके उनको। रोहन, जय, युग और कुमार, टीएजी लेजेंड भाई ये क्या कमाल खेल रहे हैं, लेजेंड बापूनी, जय, वो, और गई आरएनएक्स 1-0 की लीड। लेजेंड टॉप फॉर्म में भाई, टॉप फॉर्म में खेल रहे हैं भाई, एक अपडेट आके दूसरा अपडेट भी आ गया, बाकी ऑर्गेनाइजर्स को पीसी क्लाइंट कब मिलेगा? सर वो तो मुझे नहीं पता, मैं तो देखो वेरीफाइड क्रिएटर हूँ पार्टनर प्रोग्राम के तहत और मेरा कंटेंट जो है वो सूट करता है पीसी क्लाइंट के रिगार्डिंग, तो मुझे थोड़ा आप कह सकते हो कि कैटेगरी में फिट बैठता हूँ मैं, तो मिल जाती है, बाकी ऑर्गेनाइजर्स का मेरे को नहीं मालूम और उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी करने वाला होता भी कोई नहीं हूं। लेजेंड ब्लैकी, पॉन और कनिष्क आगे बढ़ते हुए, यार लेजेंड भाई क्या खेल रहे हैं भाई, लेजेंड बापू क्या खेल रहे हैं, तना दन हेड लगा रहे हैं, लेजेंड को रोकना ही असंभव हो गया है।
अपने सामने। कुमार का किल अब तक सिक्योर नहीं हुआ था। दो नॉक है, दो नॉकआउट कर दिया और पवन को वो दो किल मिलेंगे। हालांकि वो दोनों किल लेजेंड के थे, वो दोनों किल लेजेंड के थे। युग बिल्कुल अकेले, बट कहां बात बनेगी। टीएसजी ने आड़े हाथों लिया आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स को। रॉकी ओपी इन द चैट, थैंक यू। अरे ओरियन स्लेयर भाई, आप जो ये रोज स्पैम करते हो, कोई कंटेंट ढूंढ लो ना अच्छे से, कोई अच्छे से कंटेंट ढूंढ लीजिए ना। क्या ये टाइम पास करते रहते, किसने किसको रोस्ट किया, किसने किसको नहीं किया। कोई ढंग का कंटेंट ढूंढ लो, उनको बोलो रोस्ट करने से बेहतर है ईस्पोर्ट्स टूर्नामेंट खेल या देख जाके, क्या मिलता है रोस्टिंग करके भाई। ब्लैकी पॉन और कनिष्क आगे बढ़ते हुए, रोहन जय युग और कुमार आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स से। लेजेंड ब्लैकी पॉन और कनिष्क, द टीम ऑफ टीएसजी, सामने खड़ी आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स। रॉकी मामू आप आ गए, बिल्कुल आ गया मैं। वर्ल्ड ऑफ बैटल का मैच कब है? वर्ल्ड ऑफ बैटल एलिमिनेट हो गई। रॉकी भाई पीसी टूर्नामेंट आने वाला है सर, मुझे तो नहीं पता इस बारे में। मैं तो देखिए मोबाइल ईस्पोर्ट्स प्लेयर्स का थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, थोड़ा बहुत वो भी, क्योंकि मैं इस वक्त गरीना के साथ ऑफिशियल कास्टर तो नहीं हूँ, तो मेरे पास इतनी इन्फो नहीं है अभी। ठीक है, मेरे को जितना मालूम होता है मैं उतना ही बोलता हूँ, ज़्यादा बकर बकर करने की मेरी आदत नहीं है, ना मेरे को इस बारे में कोई नॉलेज है। मैं बिल्कुल उनमें से नहीं हूँ भाई कि पता हो 20% और बोल दो 200%, वो उचित बात नहीं होती है। आई थिंक ओरा भाई, ए बी मांबा भाई, ये लोग बोल सकते हैं, बाकी मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। ऑफिशियल कास्टर्स के पास थोड़ा ज़्यादा नॉलेज रहेगा कि कब तक आ रहा है गेम, क्या मतलब क्या ऑफिशियल टूर्नामेंट की हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, कब तक आ जाए वगैरह। और लेजेंड बापू क्या खेल रहे हैं भाई, एक के बाद एक नॉक, एक के बाद एक नॉक, लेजेंड रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए क्या सटीक ग्लू लग रही है, सटीक ग्लू लग रही है, सटीक पिटाई भी हो रही है। टीएसजी ने 2-0 से इस वक्त पीछे रखा हुआ है आरएनएक्स को, और इस बार भी मुझे लग रहा है टीएसजी का ही अपर हैंड है। रोहन गलती गलती गलती, आप बिल्कुल भी लेजेंड से पंगे नहीं ले सकते ऐसे सब चीज़ों में। मिड रेंज में लेजेंड से भिड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये गिर गए लेजेंड, फेल टू डेथ होंगे। कनिष्क कोशिश करते हुए ऊपर अगर पहुंच गए तो जय, गए ऊपर पहुंच गए और होमार चला देंगे। ये जय हो गए क्षतिग्रस्त और जाने वाले हैं। जय भी नॉकआउट, कुमार बिल्कुल अकेले, लेजेंड को रिवाइव भी मिल चुकी है, होमार चला दी और ये फंस गए, कुमार फंसे और गए। अरे भाई साहब, पवन ने अकेले मैदान बचा लिया, वरना यहाँ पे दिक्कत हो सकती थी। 3-0 से आगे हो चुके टू साइड गेमर्स। एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस। मैं ईस्पोर्ट्स का कास्टर हूँ, आईफोन में गेम कब तक आएगा रॉकी? मुझे पता नहीं है ब्रो, मुझे पता होता तो मैं जरूर बोल देता। रॉकी मामू आज किलर का बर्थडे है, विश यू मैंने मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे किलर। आपको जो है एक लंबी चौड़ी जिंदगी मिले, आप ई स्पोर्ट्स में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ई स्पोर्ट्स क्या करियर में भी आपको जो कुछ भी करना हो परमात्मा करे आप ऐसे ही जीते रहो। हमारी ओर से आशीर्वाद है किलर और वेल विशेज है। मैंने मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे किलर, लव यू आदि। रोहन जय युग और कुमार आगे बढ़ते हुए, ब्लैकी पवन कनिष्क साम और उनके साथ खड़े हैं लेजेंड। रोहन जय युग और कुमार, आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स। जी हाँ गाइस, जरा सोच के देखिए आज रात का ग्रैंड फाइनल कितना जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि आज रात को जो ग्रैंड फाइनल होगा उसमें दिखेगा गाइस इसी किस्म से ड्रोन व्यू। पीसी क्लाइंट एक बार फिर से लौट आया, इस बार दो ही दिन में। लेजेंड बापू आगे बढ़ते हुए, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम। करीना फ्री फायर टीम और सिंगापुर टीम की शॉर्ट नोटिस में सब कुछ मिल चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से ताबड़तोड़ हमले। कुमार रोहन जय और युग आगे बढ़ते हुए, टीएसजी लेजेंड तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसे याद आया मैंने अपडेट तो दिया ही नहीं दैट आई रिसीव्ड द क्लाइंट।
आगे बढ़ते हुए TSG लेजेंड एक बार फिर से नाक में दम कर रखा लेजेंड, फिर हेडशॉट। अरे क्या कमाल खेल रहे लेजेंड बापू, लेजेंड बापू की जय हो। अरे नहीं, यहाँ पे बच गए कनेश, एक और नॉकआउट। हेड के नीचे दोनों टीमें बात ही नहीं कर रही हैं, हेडशॉट के नीचे दोनों टीमें बात ही नहीं कर रही हैं। पवन का मुकाबला रोहन से, रोहन बनाम पवन बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी पवन। और इस बार ट्रिपल किल 4-0 RNX Esports को तोड़ दिया आप कह सकते हो। यहाँ पे TSG ने दूसरे मैच में RNX Esports को बुरी तरीके से TSG ने यहाँ पे उधेड़ दिया। RNX Esports का मालिक कौन है, मालिक तो पता नहीं, बट रावण भाई देखते हैं मैनेजमेंट। अरे क्यों फेक आईडी से आके एक ही एक बात कर रहा है मेरे बाप, जा ना जिसने भी जिसको भी रोस्ट किया हो भैया उसको बोल जिंदगी में कुछ अच्छा काम कर ले। रोके आपको नहीं लग रहा RNX जय छोटा छोटा लेजेंड है? रोके लव यू बांग्लादेश से, बट जुमा टाइम है लाइव कोत्ता सेन। हाँ एक्चुअली वो सीन ये था कि मैं बोला ना शेड्यूल काफी लेट हो गया था, 5 दिन लेट चल रहे हम लोग शेड्यूल से। आप यकीन कीजिए मुझे आज रात के 12:30-1 बजे तक लाइव करना है, उसके बाद सुबह 4 बजे की मेरी ट्रेन है मुंबई के लिए, फिर उसके बाद गाइस कल 12 बजे भी लाइव है, रात के 9 बजे भी लाइव है, तो बहुत बिजी शेड्यूल है। इस बार तो RNX ने कहा बकिया ही उधेड़ देंगे आपकी। और 4-0 से आगे थे TSG, RNX ने धाबा बोल दिया। और क्या शॉट लगाया है RNX और TSG के सामने, आर पार की लड़ाई, और इससे बेहतर लड़ाई हो नहीं सकती। ये लेके 4-1 हो गया, एक पल को व्हाइट वॉश का खतरा जरूरत है। हेलो रॉकी भाई, आपके लिए एक टास्क है, फुल स्ट्रीम पंजाबी में कास्ट कीजिए। रे भैया आई एम आउट ऑफ टच, कर लेता पहले। रॉकी मामू कैसे हो आप? मामू ऑफिशियल कास्टर मतलब क्या होता है, प्लीज टेल, आई डोंट नो रियली। ऑफिशियल कास्टर मतलब जो गरीना फ्री फायर के ऑफिशियल टूर्नामेंट्स होते हैं ना, जैसे FFIC हो गया, कॉन्टिनेंटल सीरीज हो गया, वर्ल्ड सीरीज हो गया, जो कास्ट करते हैं वो ऑफिशियल कास्टर्स होते हैं। तो अभी ये जो सौभाग्य है वो ऑरा AB मामा भाई को प्राप्त है, हमें नहीं, अभी तक ऑफिशियल कास्टर नहीं है अपन। तो आई थिंक जो लोग ऑफिशियल्स के साथ जुड़े उनको ज़्यादा नॉलेज रहेगा कि ऑफिशियल टूर्नामेंट कब तक आ पाएगा नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऑफिशियल टूर्नामेंट से पहले उनका ड्राई रन लिया जाता है, मतलब प्रैक्टिस टीम या टेस्ट टीम जो भी कह लीजिए आप, तो उनको ज़्यादा पता रहता है, हमें इतना नॉलेज नहीं रहता है इन चीज़ का। जो फैक्ट है वही बोलूंगा भाई, झूठ क्यों बोलना। और लेजेंड ने क्या कमर तोड़ी है भाई, RNX को समझ ही नहीं आ रहा है कि लेजेंड आज क्या खा के आए और नाक में दम कर रखी है। TSG लेजेंड ने किल आपको 6 दिख रहे होंगे, लेकिन इन्होंने कम से कम 10 नॉकआउट निकाले। लेजेंड बापू गए, लेजेंड बापू का रश, और इस बार तो AWM से भी गोद के मारा है, 5-1 की लीड तोड़ के रख दिया। मुझे लगता है सबको डरना चाहिए बिकॉज टाइटेनियम बैक इन क्लैश क्वाड, आई थिंक टाइटेनियम इज नंबर 1 टीम इन क्लैश क्वाड, इट्स माई ओपिनियन, नो हेट। नहीं आपका ओपिनियन दे रहे हैं सर, क्यों हेट देंगे आपको, लव यू सर, आयरन मैन भाई, उसमें गलत क्या बोला आपने, आप अपना ओपिनियन दे रहे हो उसमें क्या गलत बोल दिया आपने, ओपिनियन देना बुरी बात है। कोई अगर ऐसा भी बोल दे ना रॉकी भाई आपको दिल से प्यार है लेकिन मुझे ओरा भाई या मामा भाई या हंट या मैक्सकिल की कास्टिंग ज्यादा अच्छी लगती है, मैं उसमें भी ऑफेंड नहीं होता भाई। ऑब्वियस सी बात है, किसी को अगर अच्छा लग रहा है कोई तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि नहीं सबको बोलना पड़ेगा रॉकी की ही जय हो, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, रॉकी भाई को खुद ओशन शर्मा पसंद है, बताओ, मुंह पे बोल रहा हूँ लाइव स्ट्रीम पे, रॉकी भाई को ओशन शर्मा खुद पसंद है, बताओ। ओशन शर्मा को पहली बार देखा था तो लगता था भाई इससे बेहतर बनना है, जिस दिन इस बंदे के लेवल की कास्टिंग कर लेंगे उस दिन मानेंगे कि कास्टिंग की है, या इस बंदे के साथ कास्टिंग कर लेंगे उस दिन समझेंगे कि कुछ अचीव किया है जिंदगी में, सिंपल है। युग और रोहन यहाँ पे पूरी कोशिश तो कर रहे हैं, लेजेंड टॉप फॉर्म में है भाई, आप रोक नहीं सकते लेजेंड को, आप लेजेंड को बस मात दे सकते हो, रोक ही नहीं पाओगे। 6-1, और आप देख रहे हैं यहाँ पे 5-7 का बदला यहाँ पे 6-1 से लिया है TSG ने, कमर ही तोड़ दी वहां पे, RNX को समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे रोका जाए। लव यू फ्रॉम महाराष्ट्र एंड हैप्पी नवरात्रि इन एडवांस रॉकी भाई, जय माता दी, जय माता दी। पुरुषोत्तम भाई केम छो मामू, कल का ही मैच है क्या,
या कोई दूसरा है। कल जो इंडिया वर्सेस नेपाल हुआ था ना, उसी का फाइनल है, चल रहा है अभी। भाई जब आप दूसरे चैनल पर कास्टिंग करते हो लाइक आईजीएल लिडोमा, तब आप अपना पीसी क्लाइंट यूज करते हो, बहुत खुश होंगे सब। वो क्लाइंट एज अ यूट्यूबर, एज अ वेरीफाइड क्रिएटर, रॉकी एंड आरडीएक्स यूट्यूब चैनल का जो ओनर है रॉकी भाई, उसको मिला है। और मैं जो ये बाकी के टीओज आपने बोले वहां कास्टिंग करने जाता हूँ, वो मेरी सर्विसेज हैं, वो मेरा चैनल नहीं है। सर्विसेज, ओनर, ओन द लॉबी लाइक टीएसजी लेजेंड, लेजेंड बापू नी जय हो भाई। लेजेंड बापू के बारे में एक ही चीज कहना चाहूंगा, तोड़ी ना क्यों फोड़ी ना क्यों भुक्को करी ना क्यों बापू। आरएनएक्स ई-स्पोर्ट्स की पूरी टीम को अकेले ले उड़े। कहने को वहां पे 8 किल 7 किल 4 किल आपको दिख रहे होंगे कनिष्क पवन और ब्लैकी के, बट द रियल डेस्ट्रॉयर वॉज टीएसजी लेजेंड। एकदम से आप कह सकते हो पीस 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 कर दिया यहाँ पे आरएनएक्स ई-स्पोर्ट्स की टीम को, सेटल ही नहीं होने दिया किसी एक खिलाड़ी के भी 5 किल तक नहीं है। 7-1 से रौंद दिया यहाँ पे आरएनएक्स ई-स्पोर्ट्स को। आरएनएक्स ई-स्पोर्ट्स 1 पॉइंट, टू साइड गेमर्स 1 पॉइंट। अब जा रहे हैं हम लोग शो टाइम पे, फाइनल राउंड। जो जीता वो जीतेगा इंडिया बनाम नेपाल का मार्कोस का सीएस टूर्नामेंट, उसके बाद जो मार्कोस का एक्चुअल क्लैश रॉयल चल रहा है उसके चैंपियनशिप के लिए पहले सेमीफाइनल होगा आरएनएक्स और पीवीएस के बीच में। टीएसजी ऑलरेडी फाइनल तक जा चुके हैं बिकॉज ओरेंग उटान को बाई मिल चुका है, ओरेंग उटान इज नॉट अवेलेबल, दैट्स वाई। तो देखते हैं क्या होने वाला है एंड फाइनल राउंड। वाह व्हाट अ मैच। मजा आ गया। लेट्स स्टार्ट द मैच। कौन जीतेगा ग्रैंड फाइनल, टीएसजी आरएनएक्स, द बैटल ऑफ जनरेशंस, द बैटल ऑफ जनरेशंस। क्या कमाल का मुकाबला चल रहा है टू साइड गेमर्स और आरएनएक्स ई-स्पोर्ट्स के बीच में। रॉकी मामू, गेम लग जाता है फिर अपने आप बैक भी हो जा रहा है और माइनस भी लगता है, चाहे वो बीआर हो या फिर क्लैश क्वेट। सॉल्व दिस, ये सबके साथ हो रहा हो तो सॉल्व कर सकते हैं ब्रो, एकाध के साथ हो रहा हो तो कैसे पता चलेगा। ठीक है गाइज, वो बाकी टीओस का और मेरा पर्सनल पीसी क्लाइंट का जो रिश्ता है मैं क्लियर कर दिया कि पीसी क्लाइंट इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल वेरीफाइड क्रिएटर रॉकी भाई को मिला है, रॉकी एंड आरडीएक्स यूट्यूब चैनल को। वहां जो मैं करता हूँ दैट इज माई सर्विसेज, यहां मैं चैनल का ओनर हूं। और यहाँ पे कनिष्क को देखिए, एक के बाद एक दनादन नॉकआउट करते चले जा रहे थे। पवन के पास एक हल्का सा मौका है, पवन पवन गलती कर रहे हैं। मौका मिल गया जय को, 1-0 की यहाँ पे बढ़ोतरी मिल जाएगी आरएनएक्स ई-स्पोर्ट्स को। जय राजपुताना रॉकी भाई, जय राजपुताना। समा बन चुका है गाइस, कौन जीतेगा यह मुकाबला। बेस्ट ऑफ कितने मऊ, बेस्ट ऑफ 3 है, उसमें से आप देख सकते हो पहला मुकाबला यहां पे आरएनएक्स जीती थी, तो दूसरा मुकाबला यहां पे टीएसजी ने जीत लिया। टीएसजी लव यू रॉकी भाई। ओके, मेरे को क्यों लव दे रहे हो, टीएसजी को लव दो। लव फ्रॉम कोलकाता रॉकी भाई, हैप्पी दुर्गा पूजा इन एडवांस आप सभी को। एनजीएस किधर है भाईजान, वो तो डिसबैंड हो गए, निग्मा गैलेक्सी ने अपनी टीम रिलीज कर दी। रोहन, जय, युग और कुमार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेजेंड ब्लैकी पॉन और कनिष्क के पास मौका तो है, अभी भी भरपूर मौका। लेजेंड, और लेजेंड को नॉक कर दिया पवन ने, यहाँ पे एंगल बहुत सॉलिड बनाया है और गलती कर गए। एंगल जरूर सही था लेकिन बहुत बड़ी गलती कर गए। अब युग और जय पे पूरा दबाव, युग और जय पे पूरा दबाव, दो नॉक। अरे भाई साहब, युग का क्या कमाल का एंट्री, 2-0 से यहां पे आरएनएक्स ई-स्पोर्ट्स ने अब टू साइड गेमर्स के सामने कर दी है बड़े कमबैक की ऐलान। लाइक कर दो, इस मैच का टोटल लाइक टारगेट होगा 4000 लाइक्स गाइस, तो वो जो थम्स अप वाला बटन है उसके ऊपर क्लिक करके फटाफट लाइक कर दो। रॉकी मामू, आपकी शर्ट बहुत अच्छी है, टी शर्ट है ब्रो, शर्ट नहीं है।
टीएम का मैच कब है क्लैश दूसरे टूर्नामेंट में रॉकी भाई? देखिए मेरे पास तो नॉलेज नहीं है, सेटी भाई का इंस्टाग्राम स्टेटस पढ़िएगा तो उसमें शायद उन्होंने लगा के रखा हो, स्टेटस बोल रहा हूँ स्टोरी, सॉरी मैं इतना इंस्टा यूज करता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग इंस्टा पे फॉलो भी तो नहीं करते हो मुझे, मुझे जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेगा उनसे मैं बात करूँगा। लेजेंड आगे बढ़ते हुए यहाँ पे अगर आप देखें लगातार बैक टू बैक राउंड में मौके काफी मिले टीएसजी को वापसी करने के, ऊपर पहुंच गया कुमार, नॉक हुए तो कमर टूट जाएगी। ओ नहीं, लेजेंड पे हेडशॉट आ गया, बहुत तेज, बहुत तेज है, बहुत बढ़िया, एक और नॉकआउट, इस बार युग को नॉक कर दिया, लेजेंड नीचे गिर गए गलती से, एंगल नहीं बन पा रहा है, युग को भी रिवाइव मिल गया, 2v3 फाइट, लेजेंड को मेडिकेट की आवश्यकता थी, मेडिकेट लगा ली, हेलमेट है नहीं, डबल किल। और अब कुमार, युग और जय का मुकाबला पवन और लेजेंड से, यहाँ पे लेजेंड और पवन, नहीं यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं पवन, 1v3 क्लच करना पड़ेगा लेजेंड को, हुमार चली तो थी लेकिन गलत जगह पे, लेजेंड एक बार फिर से तेजी से पोजीशन लेने की फिराक में, टीएसजी लेजेंड आर पाल की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, ये देखिए तीन बंदे सामने से आ रहे हैं, एक साथ तीन बंदों को तो नहीं मार पाएंगे लेजेंड, कम से कम एक को मार पाएंगे, पेशेंस का यहाँ पे एग्जांपल पेश करते हुए लेजेंड शॉट अच्छी लगाई थी, कुमार नॉक हो जाएंगे, इस बार बात नहीं बनेगी लेजेंड की, क्योंकि युग ने आके एक बार फिर से जंप शॉट लगाया और इस बार बदन पे ही गोली चली और बहुत ही कमाल। देखते हैं गाइस क्या होने वाला है, RNX Esports बनाम टू साइड गेमर्स का कमाल का मुकाबला, फाइनल मैच चलता हुआ। रॉकी भाई गेम वापस कब आ रहा है? मुझे नहीं पता सर, वैसे तो गेम चल ही रहा है, मुझे नहीं पता आप लोग ये जो सवाल पूछते हो इसके पीछे का फैक्ट मेरे समझ में नहीं आता, वापिस कब आ रहा है, वापिस कब आ रहा है, गया कब था मेरे को तो वही नहीं समझ में आया, फ्री फायर मैक्स तो हमेशा से चल ही रहा है, पुराना वाला FF बंद हुआ है, समय के साथ साथ कोई चीज़ें बदलाव तो करनी ही पड़ती हैं, तो फ्री फायर मैक्स तो चल ही रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आप। लेजेंड के पास यहाँ पे क्लोज रेंज की कोई खास वेपन है नहीं, वुड पेकर की मदद से लेजेंड मुकाबला करते हुए, होमार चलाई तो थी लेकिन होमार कुछ खास कनेक्ट नहीं कर पाई, रोहन UMP के साथ मौजूद है, लेजेंड को संभल कर खेलना पड़ेगा, दाएं बाएं दोनों तरफ से हमला आ सकता है, और बॉल ऐसी गलत एंगल पे लगाई और कुमार के ऊपर हमला लेजेंड का, कुमार ने पवन को एलिमिनेट कर दिया, लेजेंड बनाम रोहन, रोहन बनाम लेजेंड और सीधा हेड पे एम है, देखिए क्या बात है, लेजेंड ने अभी तक हार नहीं मानी है, नीचे की तरफ जय आए, जय 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 जय, ओ वन टैप लगाई थी, जय को काफी डैमेज कर दिया था, मौका एडवांटेज मिल गया एक बार फिर से RNX Esports को, लेजेंड आखिरी मेडिकेट लगाते हुए, क्लोज रेंज की वेपन है नहीं उन पे, रोहन बनाम लेजेंड, ड्रैग मिस हुआ है, महंगा पड़ेगा ये ड्रैग, ये जो शॉट मिस हुआ है ये बहुत महंगा पड़ने वाला है, एक क्लोज रेंज की वेपन अगर मिलती है तभी लेजेंड कुछ कर पाएंगे, यहाँ पे अगर आप देख किंग फिशर मिली है, चल तो जाती है काम, ओके मैकटेन उठा ली, युग के करेट से मैकटेन उठा ली लेजेंड ने, और वुडपेकर से वन टैप लगा रहे हैं, अच्छी रणनीति, और कुछ नहीं तो 80 का डैमेज तो दे ही देगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेजेंड कनिष्क बहुत बढ़िया बॉल लगाई है, देखिए पैक करने की कोशिश, कुमार चली रश करने की कोशिश है, फिर से वॉल लगी, बहुत बढ़िया, कुमार ने अंत में जीत दिला दी, लेजेंड ने यहां पे लगभग सांसें तेज कर दी थी, चार शून्य से RNX Esports लीड पे आ चुकी है, मैन टू मैन एडवांटेज का पूरा फायदा उठाया जा रहा है, 4000 लाइक टारगेट पूरा कीजिएगा, मुझे थम्स अप वाला बटन है उसके ऊपर फटाफट क्लिक कर दीजिए, मुझे दे दो टी शर्ट रॉकी मामू, ओके रॉकी मामू, मुंबई TWOB के बूट कैंप में कब जा रहे हो? अब अक्टूबर का महीना लगेगा गाइज, बिकॉज इंटीरियर का काम चल रहा है तो टाइम तो लगेगा थोड़ा, लैकी पवन कनिष्क और लेजेंड मुकाबला करते हुए आगे, RNX Esports के रोहन जय युग और कुमार,
TSG लेजेंड आगे बढ़ते हुए फिर से जबरदस्त शॉट युग नॉकआउट हुए एक बार फिर से ड्रैग की कोशिश लेजेंड और ये भाई साहब जब तक ये खड़े हैं तब तक कुछ भी संभव युग को फिनिश करना काफी जरूरी था सबसे ज्यादा युग ने यहां पे तंग किया हुआ है और खूबसूरत नॉकआउट 1v1 रोहन बनाम ब्लैकी रोहन बनाम ब्लैकी 1v1 मुकाबला ब्लैकी बनाम रोहन मौका मिल जाएगा मेडिकेट लगाने का दूसरा भी मेडिकेट लगाना चाह रहे हैं बहुत सूझबूझ से खेले हैं बहुत बढ़िया हेडशॉट बहुत सूझबूझ का अच्छा प्रदर्शन ब्लैकी द्वारा 4-1 से वापसी करते हुए टू साइड गेमर्स वूहू भाई भाई क्या खेल रही है आरएनएक्स मजे ही आ गए जो आप छाती पे पहने वो कपड़ा अच्छा है ब्रो कपड़ा तो अच्छा है तो वो तो ऑब्वियस ही बात है और ये फटा फटा नहीं है भाई दी भाई ये वो ग्रीन स्क्रीन के कारण आपको लग रहा होगा कि ऐसा लग रहा है कि आर पार हो गया ग्रीन स्क्रीन के कारण आपको लग रहा होगा इट्स एक्चुअली हैविंग सम ग्रीन डॉट्स सो वो थोड़ा आर पार का आपको लग रहा है ये कोई फटा पुराना नहीं है रुको आप लोगों को दिखा देता हूं मैं फिल्टर ऑफ करके ये देखिए दिख रहा है फर्स्ट ब्लड इट्स हैविंग दैट डॉट्स इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट एक्चुअली और इस बार भी आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स ने 5-1 से लीड ले ली 5-1 से लीड ले लिया बहुत ही शानदार तरीके से क्या मैच हो रहा है रॉकी मामू एब्सोल्युटली TSG और इन्होंने बिल्कुल नाक में दम करके रखा हुआ है अगर आप देखें RNX Esports और टू साइड गेमर्स के बीच में कांटे की टक्कर दोनों टीमें एक एक मैच जीत चुकी हैं फाइनल राउंड में RNX Esports के पास 5-1 की अजय बढ़त है लेकिन जब तक लेजेंड खड़े हैं TSG में तब तक कुछ भी संभव पिछले मैच में तो आप कह सकते हो लेजेंड ने आरएनएक्स को सिंगल हैंडेडली पिटाई लगा दी थी लेकिन क्या इस बार बात बनेगी लेजेंड पे डैमेज आया है एडब्ल्यूएम चलाई है किसी ने आई थिंक इट्स रोहन जी रोहन ने यहां पे कमाल का शॉट लगाया था दूसरा मेडिकेट भी लेजेंड को लगाना ही पड़ेगा आई गेस बिकॉज चार्ज ऑन करके खेल रहे हैं तो थोड़ा सा फुल हेल्थ के साथ ही जाने में समझदारी है RNX Esports के दो प्लेयर्स मल्टी विंडोज में दो प्लेयर्स ट्विंडोज में दूसरी तरफ लेजेंड बिल्कुल आप कह सकते हो फेंसिंग हाउस की तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे ब्लैक ही नॉक हो चुके हैं कनिष्क कोशिशें जारी कुमार को नॉक कर दिया ये रिवाइव मिल गया तो दिक्कत पड़ जाएगी जय कुमार दोनों नॉक हैं युग बनाम लेजेंड ने यहाँ पे अगर युग को मार दिया तो एक और वापसी होगी क्या टू साइड गेमर्स यहां पे वापसी कर पाएंगे तेजी से आगे बढ़ते हुए लेजेंड बनाम आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स गजब का मुकाबला चलता हुआ एक और जबरदस्त शॉट नॉकआउट कर दिया गया है यहां पे रोहन को रश लगेगा ऑल एंड आउट रश ब्लैकी अकेले ऊपर पहुंच चुके हैं मैक 10 बहुत करारा चला रहे हैं युग लेजेंड को पता है गेम हमारे कंट्रोल में है लेजेंड अच्छे से जानते हैं गेम हमारे कंट्रोल में है एक ना एक गलती आरएनएक्स को करनी पड़ेगी नीचे आने की क्या युग और रोहन यहां पे नीचे जाएंगे टीएसजी लेजेंड पवन एंड कनिष्क आगे बढ़ते हुए एक और जबरदस्त शॉट और कमबैक की कोशिश लेजेंड और यहां पे लेजेंड ने पूरा का पूरा समय लूट लिया लेजेंड ओपी बोलते क्या बात है तभी कह रहा हूं मुझे दे दो टी शर्ट रॉकी भाई अच्छा ठीक है ऑफिशियल टूर्नामेंट कब तक आ रहा है विश्वजीत भाई मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि
इसके बारे में आप ऑफिशियल कास्टर्स से पूछे तो वो ज्यादा अच्छे से इन्फो दे पाएंगे। मेरे पास इतना इन्फो नहीं रहता, मैं ऑफिशियल कास्टर नहीं हूँ, उनसे अगर पूछेंगे आप तो वो दे पाएंगे ब्रदर। मेरे को पता होता तो मैं अवश्य बोल देता, बट मेरे को नहीं मालूम है। ब्लैकी कौन और कनिष्क आगे बढ़ते हुए डैमेज दिया है कुमार को, 5-1 से लीड पे थे। इसलिए आरएनएक्स ईस्पोर्ट 4-0 से आगे थे, उसके बाद 5-2 से अब टीएसजी ने कमबैक करने की कोशिश करी। आर पार की लड़ाई है। जी हां गाइस, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं, आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स बनाम टू साइड गेमर्स फाइनल राउंड फाइनल मैच ग्रैंड फाइनल्स में। अच्छे से पता है लेजेंड को, जय को घेर लिया है। लेजेंड स्लो डाउन हुए, जय को घेर लिया है। और अरे जय ने यहां पे क्रूशियल नॉक निकाला था, बट रिवाइव मिल जाएगा लेजेंड को, प्रेशर में आएगी आरएनएक्स क्योंकि उनके की मैन, उनके की प्लेयर जय यहां पे एलिमिनेट हो चुके हैं। लाइक कर दो गाइस, लाइक करने के लिए मुझे थम्स अप वाला बटन है उसके ऊपर क्लिक करके फटाफट लाइक कर दीजिए। गुजरात का लायन लेजेंड भाई ओपी बोलते, कमाल का मुकाबला चलता हुआ। हेलो सर, लव फ्रॉम उड़ीसा, लव यू टू, जय जगन्नाथ। रखो जय हमारे लातूर का है, मैं भी उधर का ही हूँ, पता है आपको। उधर वेरी नाइस। लेजेंड आगे बढ़ते हुए, इस वक्त तो लेजेंड की तूती बोल रही है। कोई आनंद से है गुजरात में? आनंद से है कोई? लेजेंड बापू आनंद से। लेजेंड लकी फोन और कनिष्क, रोहन युग और कुमार मुकाबला करते हुए टीएसजी लेजेंड, टीएसजी लेजेंड सामने खड़े आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के लेजेंड लैकी कौन और कनिष्क मुकाबला करते हुए युग कुमार और रोहन, और बहुत ही प्यारा शॉट, वापसी कर दी आरएनएक्स ने, वापसी हो गई, आरएनएक्स की वापसी हो गई। यहाँ पे 1v2 निकालना पड़ेगा तब जाके बात बनेगी, मुझे नहीं लग रहा पॉसिबल है। रिवाइव रोहन को भी मिल जाएगा, 1v3 हो जाएगा मुकाबला। कनिष्क पे 4 मेडिकेट जरूर है लेकिन किल करने का मौका नहीं। और ये देखिए कोशिश अच्छी थी युग की, बात नहीं बनी, किल कर रहे हैं अपने आप को। दो मेडिकेट लगा गए, किल सिक्योर। जाने के लिए आगे से ही जाना पड़ेगा, वॉल अगर लगा दी दिक्कत में पड़ सकते हैं। और रोहन का कमाल का जंप शॉट वहां से, 6-2 हो चुके आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स जीत की कगार पे। आरएनएक्स का स्नाइपर कौन है? अभी तक तो कोई आया नहीं, बट रोहित चला लेते हैं थोड़ा बहुत, और जय भी। डेफा न्यूज के बारे में कुछ बताइए रॉकी भाई, लिंक दे दिया है हमने पिन कमेंट में, तो उसके ऊपर क्लिक करें और जल्दी से जल्दी आ जाइए भाई। क्या हाल चाल, बढ़िया ओपी निंजा भाई, आप कैसे हो? जितने भी भाई लोग देख रहे हैं 4000 लाइक टारगेट पूरा कीजिएगा, वो जो थम्स अप वाला बटन है उसके ऊपर क्लिक करके 4000 लाइक टारगेट को जरूर पूरा कीजिए। और आज रात को गाइज होने वाला है द ग्रैंड फाइनल्स ऑफ द बीसी गेम इन्विटेशनल, तैयारी कर लीजिएगा। लेजेंड ब्लैकी पॉन और कनिष्क आगे बढ़ते हुए, रोहन जय युग और कुमार पूरी तरीके से कोशिश करते हुए यहाँ पे। सामने से आरएनएक्स आने की कोशिश कर रहे हैं, आरएनएक्स स्पोर्ट्स को घेर के रखा हुआ है। TSG Legend घोर चिंता में, इज लाइक किया जाए तो क्या किया जाए, जोर तो पूरी लगाई थी मैंने, लेकिन कहीं ना कहीं आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स डेफिनेटली अच्छा खेल गए। युग कमाल खेले और आज कुमार की तूती बोल रही है, आई एम प्रिटी हैप्पी टू सी दैट कुमार ने सबसे ज्यादा किल करे। नॉर्मली जय या युग MVP में रहते हैं लेकिन आज कुमार बहुत बढ़िया खेले हैं। लेजेंड ब्लैकी पॉन और कनिष्क मुकाबला करते हुए कुमार युग जय और रोहन का। युग और जय आमने सामने, और ये देखिए स्काइलर चली, जय बाल बाल बचे। आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स बनाम टू साइड गेमर्स आर पार की आमने सामने की लड़ाई। आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स युग तेजी से आगे बढ़े,
युग जय रोहन और कुमार मुकाबला करते हुए यहाँ पे टू साइड गेमर्स से, लेजेंड टैकी पॉन और कनिष्क टीएसजी लेजेंड। युग लेजेंड एक बार फिर से आगे बढ़े, सामने की तरफ खड़े हैं युग और यहाँ पे होमार की कारण स्लो हो चुके हैं, होमार के कारण स्लो हो चुके हैं। ओके टीएसजी को कमबैक करने का मौका मिल गया, कमबैक करने का पूरा मौका मिल गया, अच्छी कोशिश युग द्वारा, क्या बात बनेगी? अरे बिल्कुल बात बन गई, रोहन और युग ने मिलके यहाँ पे ये मैच और ग्रैंड फाइनल जीत लिया है, मुबारक हो। आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स यहाँ पे जीत चुकी है, क्या बात है। तो गाइज इंडिया बनाम नेपाल का टूर्नामेंट यहाँ पे जीत लिया आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स ने और अब यहाँ पे सेमीफाइनल होगा मार्कोस के सीएस इवेंट का, जहां पे आरएनएक्स का सामना करेगी पीवीएस गेमिंग। क्वाड्रा छीन लिया, रे युग का क्वाड्रा छीन लिया। लाइक कर दीजिएगा, 4000 लाइक टारगेट पूरा कर दिए तब तक पीवीएस गेमिंग एंट्री ले रही है। जी गाइस तब तक पीवीएस गेमिंग एंट्री ले रही है। एसी ऑन नहीं किया था, अब कर लिया भाई, थोड़ी जुकाम थी ना इधर से। अरे टीएसजी को बोल देना कंटिन्यू है, आधे पौने घंटे का ब्रेक आपका, ठीक है? अच्छा वहाँ वो बैक कर गए राउंड भाई। नहीं नहीं हाँ मतलब उनको बोल देना आधे घंटे आपका। हाँ टीएसजी बैक गई है, पीवीएस योगी आ चुके हैं, योगी आ गए। आज आज फाइनल में टीएसजी है, नहीं शायद टीएसजी नहीं है, टीएसजी क्वालिफाई नहीं कर पाई है शायद, नॉट श्योर। रॉकी मामू लव यू टू बिश्वजीत भाई, 4000 लाइक टारगेट पूरा कर दीजिए गाइस, वो जो थम्स अप वाला बटन है उसके ऊपर क्लिक करके 4000 लाइक टारगेट पूरा कर लीजिए। आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स ऐसे खेल रहे हैं रौन भाई जैसे कोई जलजला, लेकिन जिस किस्म से टीएसजी ने कमबैक करी थी एक पल को तो ऐसा लगा भाई बात बन गई। ऑफिशियल गर्ल्स के लिए भी टूर्नामेंट कब आएंगे? ओपीजी युकी आने तो चाहिए, प्लीज स्टार्ट द मैच इफ एवरीवन इज रेडी। एक मिनट बोला है, अच्छा एक मिनट बोला है। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, रॉकी मामू इज द बेस्ट, थैंक यू। तो एक टूर्नामेंट का फाइनल हो गया, अब एक टूर्नामेंट का सेमीज, उसके बाद फाइनल्स। आइकॉनिक कहां से है रॉकी भाई? आगरा उत्तर प्रदेश से, मिस्टर आइकॉनिक। ओरेंगुटान का क्या हुआ? ओरेंगुटान का शेड्यूल फ्री नहीं है गाइस, एक दिन में तीन ही टूर्नामेंट खेलेंगे। रेडी PBS गेमिंग शायद करेक्टर्स के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। स्टार्ट। ओके PBS गेमिंग बनाम आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स गाइस सेमीफाइनल है, 50,000 का प्राइस पूल है इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में, सेमीफाइनल फिर फाइनल होगा। एंड गेस व्हाट राउंड भाई, फाइनल में किन से मुकाबला इनका? टू साइड गेमर्स से, एक बार फिर से जो भी जीतेगा PBS गेमिंग या आरएनएक्स में से टू साइड गेमर्स से भिड़ेगा। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एक अच्छा खासा कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन है PBS गेमिंग और आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स के बीच में। कोशिश की रोहन जय युग और कुमार आगे बढ़ते हुए, श्याम एको एको योगी निखिल कुमार युग जय और रोहन तेज तर्रार मुकाबला करते हुए। श्याम एको एको निखिल और योगी
तोड़ मुकाबला चल रहा है। शॉट लगाई, शाम को नॉक कर दिया। शाम को हवा ही नहीं लगी रावण भाई, एक जलजले की तरह नॉकआउट हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आया हुआ क्या। एक झटके में हमला कर दिया, ट्रैक शॉट निखिल पे क्रश किया जा रहा है। योगी बहुत तेज, रोकना असंभव, असंभव योगी को रोकना। लेकिन युग, एक ऐसे खिलाड़ी जिनके नाम का युग शायद हो सकता है ये। टू साइड गेमर्स के सामने जीत की बड़ी वजह रहे युग। पीवीएस गेमिंग के सामने यहां पे जीत कर एक और क्लैशवर का ग्रैंड फाइनल का टिकट उठा पाएगी आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स। जय बनाम एको एको और निखिल, जंप शॉट्स चारों तरफ से चल रहे हैं। युग एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए सामने खड़े हैं। योगी रश लगा रहे हैं, रश लगा रहे हैं, रश 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 रश, और वुकोंग कैरेक्टर का इस्तेमाल, बढ़िया शॉट था। योगी बहुत तेज है, आर पार की लड़ाई, डैमेज हो चुके हैं कुमार और ये गए गए युग गए, और पीवीएस गेमिंग पहला राउंड जीत जाएगी। शानदार शानदार वापसी पीवीएस गेमिंग की, पेसी नालुम तमिलंडा। गेम ओपन नहीं हो रहा है रॉकी मामू, तो फिर ये लोग किस में खेल रहे हैं? फेक डैमेज का सोल्यूशन लाइए रॉकी भाई। अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूं, मैं रिपोर्ट कर देता हूं, डोंट वरी। टीजी का क्या हुआ रॉकी भाई? टीजी क्लैश कोड में नहीं खेली ब्रो। रॉकी मामू, मार्को सीएस कप कब होगा ओरेंगटॉन का? ओरेंगटॉन नहीं है, मार्को सीएस कप से ओरेंगटॉन जो है आप कह सकते हो बाई हो चुकी है, बिकॉज ओरेंगटॉन का शेड्यूल फ्री नहीं था। एक दिन में तीन ही टूर्नामेंट खेलेंगे ओरेंगटॉन, और हम लोग बिल्कुल वेंटिलेटर पे हैं। लास्ट डे है क्लैश क्वाड का, इससे ज़्यादा और नहीं हो पाएगा। मुझे कल सुबह की 4 बजे की ट्रेन से जाना है बम्बई ग्रैंड फाइनल्स के लिए, फाइनल्स विद द फुल मैप। युग नॉकआउट हो गए, युग और जय दोनों नॉकआउट हो चुके हैं। तो और ये देखिए कमाल का नॉकआउट, कमाल का नॉकआउट, और पीवीएस गेमिंग बैक टू बैक दो राउंड जीत गए। जुम्मे के वक्त में आप लाइव क्यों हूं आज हृदय खान भाई? अब मुझे सिर्फ बोला गया कि आज के टाइम पे ये पर्टिकुलर टीम सुनी है तो मैं आया हूं। टीमें फ्री ना हो तो भाई मुझे कोई आपत्ति नहीं करने की। रोहन जय युग और कुमार मुकाबला करते हुए, श्याम एको एको निखिल और योगी आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए यहां पे 2-0। हेड पे एम श्याम ओपी का, रोहन जय युग और कुमार कोशिश तो अच्छी कर रहे थे। आज पूरा वेंटिलेटर डे है गाइस, आज अगर खत्म नहीं करूंगा तो कैसे करूंगा, वो भी समझिए आप। एक टूर्नामेंट फिनिश नहीं होगा तब तक दूसरा टूर्नामेंट स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, सो दैट्स व्हाई कैसे भी अपने को इस महीने के पेंडिंग टूर्नामेंट फिनिश करने हैं। एनीहाउ फर्स्ट ब्लड, रोहन जय युग कुमार यहां पे मुकाबला करते हुए, रोहन के ऊपर हमला, जय नॉकआउट हो चुके हैं, जय नॉकआउट हो चुके हैं। देखने वाली बात होगी रिवाइव मिलता है कि नहीं इनको। निखिल श्याम और एको एको, कुमार रोहन जय और युग सामने खड़े हैं पीवीएस गेमिंग। हेड पे एम था, बच गए, किस्मत वाले रहे कुमार यहाँ पे। पीवीएस गेमिंग मेंटली डिसएडवांटेज में है और फंस गए। शॉट था, बहुत बढ़िया शॉट था, निखिल अकेले 4 बंदों का सामना नहीं कर पाएंगे। और वो भाई साहब अकेले 2 प्लेयर्स को नॉकआउट जरूर किया था, लेकिन आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स मेकिंग अ कमबैक। एमपी में नेट का दिक्कत है रॉकी भाई। ओके, बीसी गेम्स का ग्रैंड फाइनल कब होगा रॉकी भाई? आज रात को है ब्रो, आज रात को। हेलो मामू, माय नेम इज शौर्य। हेलो शौर्य, हाउ आर यू? राजकोट थी सो हूँ, कैम छो हिरेन भाई, जय माता जी। मैं भी आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ रॉकी भाई, ठीक है, आप भी बनिए आइकॉनिक जैसा। मामू जॉन्टी भाई क्यों नहीं खेलते? ये तो जॉन्टी भाई जवाब दे पाएंगे, हाउ वुड आई नो।
श्याम एक्वेट को निकल और योगी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नॉकआउट रोहन एक बार फिर से यहाँ पे, अगर आप देखें वॉल सटीक लगी है जय और रोहन को, काफी कम मौके मिलेंगे। ओके रिवाइव हो चुके हैं, अब दिक्कत भरा सबक। शॉट, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। योगी इज कंप्लीटली हेल्पलेस, योगी इज कंप्लीटली हेल्पलेस और बिल्कुल दो दो की बराबरी। श्याम को क्या शॉट, इतना जल्दी पीसी गैंग कैसे मिल गया रॉकी मामू। रॉकी मामू जादू की छड़ी जो ठहरे, अब जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और भाई ऐसे ही देखते रहो टूर्नामेंट, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। चलो वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर क्लिक करो, उसके ऊपर क्लिक करके वो जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए गाइस, सब्सक्राइब कर दो गाइस। वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर क्लिक करो, उसके ऊपर क्लिक करके जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो रॉकी भाई। चलो 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 पीवीएस गेमिंग आगे बढ़ते हुए, कैसे यहाँ पे बात बनेगी। शॉट मिस होता हुआ, फिर से एक बार यूग पे शॉट मिस होता हुआ। रोहन जय योग कुमार दो दो की बराबरी कर चुके हैं। निखिल रोहन जय योग और कुमार पूरी पुरजोर कोशिश करते हुए, फिर से जबरदस्त शॉट योगी के ऊपर, काफी डैमेज आता हुआ। श्याम एको एको और निखिल पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे लेकिन बात नहीं बन रही। दूसरी तरफ रोहन ने यहाँ पे AWM उठा ली है, जय ने AWM उठा ली है और दो स्नाइपर्स के बलबूते पे PBS गेमिंग को रोकने की कोशिश है। योगी भी स्नाइपर चला लेते हैं, फिर से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे योगी। जय डैमेज हो चुके हैं यहाँ पे, फिर से एक बार मेडिकेट लगाई, होमार का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं योगी। रोहन कुमार और योगी, श्याम में क्या कोई निखिल और योगी पूरी कोशिश करते हुए। ओके डबल यूएसपी, योगी नॉकआउट है, निखिल नॉकआउट है। ये कमाल था, अच्छी स्ट्रेटेजी थी डबल यूएसपी से शॉट लगाने की। श्याम का शॉट, जय तो गए 1v2। रोहन गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं समझ के बाहर। कुमार और रोहन का मुकाबला श्याम से, क्या यहां पे पीवीएस गेमिंग एक बार फिर से लीड ले पाएगी, क्या कुमार और रोहन एक बार फिर से कामयाब रहेंगे। और कुमार फिर गलती कर गए, श्याम जैसे एक्सपर्ट स्नाइपर के सामने रिस्क उठा रहे हैं, रफाइल भी है उनपे। डबल किल, रोहन सही मौके पे सही जगह पे बॉल लगाई, ड्रैग सारे मिस हो गए इनके। श्याम बनाम रोहन, खूबसूरत शॉट, ट्रिपल किल किया है, क्या बात है श्याम, क्या लाजवाब शॉट लगाया है यहां पे। FF एशिया कप फाइनल कब होगा रॉकी मामू, मुझे क्या पता। रॉकी मामू कैन यू ईट रसगुल्ला, मुझे थोड़ा उतना मिठाई पसंद नहीं है, दैट्स व्हाई। RNX Esports, रोहन जय युग और कुमार आगे बढ़ते हुए, श्याम एको एको निखिल और योगी द टीम ऑफ PBS गेमिंग। फिर से जबरदस्त शॉट, श्याम नॉकआउट हो चुके हैं, एक बार फिर से नॉकआउट। निखिल और एको एको तेजी से आगे बढ़ते हुए और क्या रश लगाया है, बहुत आला रश। जय गलती कर रहे हैं, अंदर से गए, काफी क्षतिग्रस्त, बहुत बड़ी गलती। ओके युग 1v1 युग अगेंस्ट एको एको, एको एको के खिलाफ अकेले रिवाइव दे देंगे एको एको श्याम को। श्याम और एको एको का मुकाबला अब युग और कुमार से, कुमार को भी रिवाइव दे देते हैं, रोहन को भी रिवाइव दे देंगे।
3v3 फाइट, एक बार फिर से कुमार नॉक हो गए। मामला श्याम से करना बहुत मुश्किल है। योगी खुद को हील करते हुए, नेक्स्ट स्पोर्ट्स के युग रणनीति। रोहन भी पहुंच गए। अगर आप यहां पे देखें तो श्याम सबसे क्रूशियल पोजीशन में, ग्रुप को अगर जीतना है तो सबसे पहले श्याम को यहां पे, और ऊपर चले गए हैं, ऊपर चले गए हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यो बहुत बढ़िया हाइट का एडवांटेज, बहुत बढ़िया हाइट का एडवांटेज, बहुत बढ़िया, अच्छी सूझबूझ, क्या बात है। क्वाड्रा किल बाय युग, बहुत बढ़िया क्वाड्रा किल कर दिया युग ने, हाइट का एडवांटेज लिया और पूरा एडवांटेज लेते हुए हेडशॉट, डन 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 हेडशॉट लगा दिया यहां पे युग ने, क्या बात है, गजब का परफॉर्मेंस। आई विश आपके इस ईयर 5 मिलियन हो जाए, लॉट्स ऑफ लव, काश ऐसा होता ब्रो। रॉकी सर कैलाश कोर्ट का टूर्नामेंट कालाहारी में कर दो, कालाहारी टूर्नामेंट क्या, समझा नहीं मैं आपका कमेंट ही नहीं समझा। फिर से ताबड़तोड़ हमला होते हुए योग, एक बार फिर से शानदार हमला, एको एको और निखिल नॉकआउट हो चुके हैं यहाँ पे, श्याम और योगी आगे बढ़ते हुए, रोहन जय और योग। फर्स्ट ब्लड, बहुत बढ़िया RNX Esports की जबरदस्त वापसी। नॉकआउट, श्याम बिल्कुल अकेले बचे हैं, रश करते हुए रोहन श्याम के ऊपर, स्नाइपर एक्सपर्ट, वेस्ट नहीं है रोहन पे, वेस्ट नहीं है, एक ही शॉट में नॉक हो सकते हैं। बहुत बढ़िया शॉट, 4-3 से RNX Esports लीड पे आ चुकी है। अरे गुजराती इज स्पाइसी लवर, नॉट दैट मच बट यस। हैशटैग प्रेम गीत 3, अब ये क्या है राउंड भाई, क्या 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 प्रेम गीत, प्रेम गीत, व्हाट इज दैट, रोहन चाय आगे बढ़ते हुए। पीवीएस गेमिंग ने अच्छी टक्कर दी है राउंड भाई, कहना पड़ेगा जिस हिसाब से आरएनएक्स खेली थी टीएसजी के सामने, एक पल को तो लग रहा था पीवीएस गेमिंग को काफी मुसीबत होगी, बट नहीं, कहना पड़ेगा श्याम ने यहां पे बहुत जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है, श्याम ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है यहां पे, युग पूरी कोशिश करते हुए। कुमार जय रोहन ताबड़तोड़ कोशिशें जारी, युग तेजी से आगे बढ़े, योगी सामने खड़े हैं, रिस्क उठा रहे हैं, योगी नॉक, बैकअप की कोशिश, जय को बैकअप दे रहे हैं, शॉट नहीं, नीचे से बैकअप आ गया पीवीएस गेमिंग का, कुमार रिवाइव तो दे देंगे, और श्याम एक बार फिर से बिल्कुल अकेले, स्नाइपर एक्सपर्ट श्याम एक बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन दिक्कत यह है बैकअप इनको ज्यादा मिल नहीं पा रही है। जय नॉक हो जाएंगे, क्या शॉट लगाई है राउंड भाई, दो स्नाइपर शॉट्स और जय को सेटल डाउन का मौका ही नहीं मिला। 1v2 है रोहन और कुमार एक बार फिर से, और हम देख चुके हैं श्याम ने इससे पहले भी क्लच करके दिखाया इन लोगों को। जल्दी से जल्दी 5000 लाइक टारगेट पूरा कर दीजिए गाइस, वो जो थम्स अप वाला बटन है उसके ऊपर क्लिक करके फटाफट से लाइक टारगेट पूरा कर दीजिए। रॉकी मामू पीसी क्लाइंट इतना जल्दी आ गया क्या, हाँ आप लोगों की दुआ है, और बहुत बहुत शुक्रिया गरीना फ्री फायर टीम का और गरीना फ्री फायर सिंगापुर टीम का जिन्होंने इतना जल्दी क्लाइंट हमें दिला दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जितना ज्यादा धन्यवाद करूं उतना कम, बहुत बहुत शुक्रिया गाइज, थैंक यू सो मच। श्याम पीछे हटते हुए, मुझे नहीं लगता देखा आप गलती करेंगे, दोनों साथ में रहेंगे। 5-3 हो गए, और कहीं ना कहीं राउंड में श्याम को भी समझ में आ गया था कि एक बार गलती कर चुके हैं, शायद दोबारा वो सेम रिपीटेडली गलती नहीं होगी। डू यू नो बंगाली रॉकी भाई, हाँ जी बिल्कुल आती है, बिल्कुल बंगाली आती है, कैसे कैसे नहीं, जय माता जी रॉकी मामू, मजामा बदा बदा मजामा, आपड़े जरक सजामा बाकी बदा मजामा।
गेम का ग्लिच सही करवा दो रॉकी भाई, कोशिश करेंगे। पीवीएस गेमिंग आगे बढ़ते हुए आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स रोहन जय कुमार यहां पर जय यहां पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। श्याम एक्वेको निखिल और योगी द पीवीएस गेमिंग फैक्टर वर्किंग लाउड एनहांसर। योगी ने स्नाइपर उठा लिया है अब। ओके मैन टू मैन एडवांटेज पीवीएस गेमिंग के पास है। युग जब तक टिके हैं तब तक सब। और क्या शॉट लगाई थी लेकिन नहीं, योगी को नहीं रोक सकते आप, योगी को नहीं रोक सकते आप। और गए यहाँ पे 5-4 से वापसी कर लिया पीवीएस गेमिंग ने। टीएसजी डिस्क्वालीफाई हो गई क्या? नहीं, टीएसजी इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के फाइनल्स में है। प्रेम गीत 3 इज द फर्स्ट इंडो नेपाली फिल्म रॉकी भाई। वाओ, आओ कभी हवेली पे। नहीं, आपको आपकी हवेली मुबारक हो। हम क्यों आया भाई, हम क्या करेंगे आके? हम हमारी छोटी सी कुटिया में खुश हैं। हम क्या करेंगे आके, हम क्यों आया भाई? ऐसे कैसे हम किसी के काम नहीं आते। एको एको निखिल योगी आगे बढ़ते हुए रोहन जय युगल कुमार तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए डैमेज आई है। कुमार फिर से कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। रोहन जय युग श्याम एको एको निखिल और योगी। श्याम एक बार फिर से आमने सामने और इस बार जय के सामने पड़ के गलती हो गई। जय से मुकाबला महंगा पड़ेगा। अरे भाई साहब क्या बात है, जितना खाया उससे दुगना डैमेज दे दिया इन्होंने। अब प्रेशर युग पे, अब युग पे दबाव है। बहुत बढ़िया, अरे कमाल कर दिया। कोशिश अच्छी थी लेकिन 5-5 की बराबरी और श्याम ने तो यहां पे समा ही लूट लिया है। 10 किल कर चुके हैं श्याम। रॉकी मामू जम्मू से हूं, कभी आना यहां घुमाने ले जाऊंगा। थैंक यू ब्रदर, जरूर आएंगे। एल्पाइन में मैं आप रैंक टूर्नामेंट क्यों ऐड नहीं कर रहे हो? मुझे क्या पता है ब्रो। बिग फैन रॉकी भाई, लव यू टू ब्रो। लाइव स्ट्रीम का व्यूज कैसे काउंट होता है रॉकी भाई? एवरेज वॉच टाइम आवर्स पे, आई गेस एवरेज वॉच टाइम आवर्स पे या एवरेज वॉच टाइम मिनट्स पे। रोहन जय युग और कुमार श्याम पूरी कोशिश करते हैं। गाइस इस मैच का टोटल लाइक टारगेट 5000 लाइक्स, 5000 लाइक टारगेट पूरा कर दीजिए गाइस। फर्स्ट ब्लड श्याम एको एको और निखिल पूरी कोशिश करते हुए। रोहन जय युग और कुमार आगे बढ़ रहे हैं। श्याम एको एको और निखिल कुमार युग जय और रोहन आगे बढ़ते हुए। फिर से एक बार आगे बढ़ते हुए यहां पे रोहन। निखिल के ऊपर रश लगी है, इस बार आरएनएक्स पूरा रश कर देगी। ना इस बार नहीं बचेंगे, पूरा रश किया गया है यहां पे। नो चांस। श्याम जब तक अपनी स्नाइपर की मदद से अटैक कर रहे हैं तभी तक टिकी हुई है पीवीएस गेमिंग। उसके बाद यहाँ पे ये जो 4v2 का एडवांटेज, जय गलती कर रहे हैं, पंगा लेना महंगा पड़ेगा। ये लीजिए नॉक हो गए, जल्दबाजी कर रहे हैं जय। श्याम आ गए यहाँ पे, ये लीजिए युग ने कोशिश तो करी है लेकिन अकेले श्याम ने आप कह सकते हो आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स की नाक में दम करके रखा हुआ है। युग का बहुत ही बेहतरीन शॉट, बहुत बेहतरीन शॉट लेकिन नॉक नहीं कर पाए एको एको को। उतना ही गंदा डैमेज युग ने भी खाया है। एको एको पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। एको एको 2v1, युग के पास मेडिकेट नहीं है।
डबल किल. अरे क्या हेडशॉट लगाया. 6-5 6-5 आसानी से एम को धीरे से लेकर गया. डबल बैरल से हेडशॉट लगा दिया. फ्री फायर कब तक आएगा रॉकी मामू. फ्री फायर मुझे नहीं पता ब्रो, गया कब था मुझे यही नहीं पता, तो आएगा कब कैसे बताऊंगा मैं. ओजी के बदले पीवीएस आई है क्या रॉकी भाई. नहीं 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 ओरेंगुटान गाइज टूर्नामेंट क्लैश क्वाड जो है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आज मैं और मेरे पापा एक साथ आपकी स्ट्रीम देख रहे हैं. लव फ्रॉम मध्य प्रदेश. लव यू टू सर. लव यू टू भाई. आरएनएक्स वाले एसएमजी ही चलाते हैं क्या बस ब्रो. वो अपनी उसकी ताकत है तो वही चलाएगा. आपने कभी पूछा है पहाड़ी क्या स्नाइपर ही चलाता है क्या बस. ये क्या बात होती है मेरे भाई. हर टीम अपनी ताकत पे खेल रही है. व्हाट इज दिस. हद ही हो गया भाई. अब आप बोलोगे क्या बंदूक ही चलाएंगे क्या. मुक्के से मार के बताए दमे तो. That's out of logic. क्या बोल रहे हो भगवान जाने भाई. और किसने बोला सिर्फ एसएमजी. स्नाइपर भी चला रहा है बंदा. वुडपेकर भी चला रहा है बंदा. श्याम बहुत तगड़े प्लेयर है. नहीं जय बार बार श्याम के चंगुल में फंस रहे हैं. गलती पे गलती हो रही है. युके सामने दो प्लेयर्स हैं. निखिल नॉक है. श्याम थोड़ा जल्दी जंप कर गए. नीचे की तरफ श्याम है. गलती कर रहे हैं युके. गलत एंगल. एको भी नॉक हो चुके हैं. गलती कर रहे हैं ये जो एक के बाद एक गलती कर रहे हैं आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स. इसी वजह से यहाँ पे मुसीबतों का पहाड़ इनके ऊपर लगा हुआ है. शाम के पास स्नाइपर रहने वाली है. नीचे से रोहन काम करते हुए अपना डैमेज दिया और हेडशॉट के साथ खेल खत्म. पहला मुकाबला जीत लिया आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स ने, लेकिन काफी मशक्कत के साथ जीता है कहना पड़ेगा. बहुत मशक्कत के साथ जीता है यहाँ पे. रॉकी मामू आना सूरत वीआर मॉल घुमाऊंगा आपको. सर मैं तो सूरत में ही रहता हूँ. वीआर मॉल जाके मैं करूंगा क्या. फ्री फायर कब तक आया जाएगा रॉकी मामू. सर मेरे को पता नहीं गेम गया कब था तो मैं कैसे बताऊं गेम आएगा कैसे. ओके 1-0 टू आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स. स्टार्ट 30 सेकंड होता है. ओह हो गया. चलो लेट्स स्टार्ट द मैच. 1-0 आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स. तो क्या बाकी टूर्नामेंट को क्यों नहीं मिलता पीसी क्लाइंट मुझे नहीं पता ब्रो. हम तो वेरीफाइड क्रिएटर्स में से हैं. मेरे को तो क्रिएटर के तौर पे मिलता है. मेरे को टीओ के रूप में नहीं मिलता है. ठीक है मुझे जो मिलता है वो एज अ क्रिएटर होने के नाते मिलता है. मुझे कोई टीओ होने के नाते मिलता नहीं. और मैं कोई रजिस्टर्ड टीओ हूँ भी नहीं. ये रावण भाई का रजिस्टर्ड टीओ है आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स. उनके वहाँ पे भी क्लाइंट नहीं होता. मतलब मेरा क्लाइंट आपको रावण भाई के आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स के चैनल पे भी देखने को नहीं मिलेगा. सिंपल अलाउ ही नहीं है. पीसी क्लाइंट इज जस्ट अलाउड फॉर रॉकी एंड आरडीएक्स यूट्यूब चैनल. बस ये इसी चैनल पे. इसके अलावा हमारा क्लाइंट आईडी पासवर्ड कभी किसी से शेयर कर ही नहीं सकते. जय का बहुत ही खूबसूरत शॉट. योगी कोशिश कर रहे हैं. अरे क्या बात है योगी मचा. कमाल कर दिया. गजब का शॉट. बार फिर से जबरदस्त शॉट. रोहन 1v1 है. 1v1 ओ क्वाड्रा किल बाय आरएनएक्स रोहन. क्वाड्रा किल बाय आरएनएक्स रोहन. क्या बात है रोहन. जी हां गाइस रोहन ने यहां पे क्वाड्रा किल कर दिया. कमाल कर दिया यहां पे. सब को मिल गया पीसी क्लाइंट क्या रॉकी भाई. पता नहीं ब्रो. हमको तो हमारा मिल गया. माफिया डिस्क्वालीफाई है. माफिया ये टूर्नामेंट खेली ही नहीं है ब्रो. अब बकायदा पहली बात तो एलिमिनेटेड होता है. डिस्क्वालीफाई नहीं. डिस्क्वालीफाई वो जिनको टूर्नामेंट से हटा दिया गया हो. जो क्वालिफाई नहीं करते ना उनको एलिमिनेशन कहा जाता है. डिस्क्वालीफाई नहीं. पहले तो प्लीज वो सेंटेंस प्रॉपर लीजिए आप वरना डिसरिस्पेक्टफुल फॉर सच अ ग्रेट टीम एज माफिया. फर्स्ट ब्लड
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रोहन यहाँ पे डैमेज हो गए, जय के पास मौका है, जय बिल्कुल अकेले ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। मैन टू मैन एडवांटेज एक एक की बराबरी। पीवीएस गेमिंग कमाल के फॉर्म में, कमाल खेल रही है RNX e-sports और उतना ही करारा जवाब दे रही है सामने से PVS Gaming। लाइक कर दीजिए गाइस, 5000 लाइक टारगेट पूरा कर दीजिए। पीएन नहीं खेल रहा क्या? पीएन तो नहीं है ब्रो टूर्नामेंट में। शाउट आउट टू 7FF04YT। एक तो नाम ही कोडवर्ड जैसा रखोगे तो कौन देगा। कास्टिंग इन आसाम इज रॉकी भाई, वो तो नहीं आता सर। शॉट आगे बढ़े हैं श्याम है, रोहन जय युग और कुमार। आगे बढ़ते हुए पीवीएस, ओह नाइस शॉट, लेकिन जय ने वहां पे अपना काम किया, जरूर था बात नहीं बनी। शाम को रिवाइव मिल जाएगा, गलती कर गया RNX e-sports फिर से। फर्स्ट ब्लड, मैन टू मैन एडवांटेज मिल गया पीवीएस गेमिंग को। नहीं नहीं नहीं, निखिल का करारा हेडशॉट। युग अकेले हैं और अकेले ही रह जाएंगे। कोशिश अभी भी जारी, शॉट बढ़िया था, बात नहीं बनेगी। 2-1 से लीड पे आ चुकी है अब पीवीएस गेमिंग। रॉकी मामू आप ड्रग्स लेते हो क्या? ब्रो मैं तो चाय कॉफी भी नहीं पीता, रात भर सोता नहीं हूं ना गाइस, इसीलिए आंखों के नीचे ऐसे हालत है। अभी सोचो आज मैं अभी लाइव हूं, फिर उसके बाद मुझे 6 बजे IGL पे लाइव जाना है, फिर उसके बाद मुझे 9:30 को अपने चैनल पे लाइव आना है ग्रैंड फाइनल्स कास्ट करने, फिर उसके बाद मुझे रात के 4 बजे की ट्रेन लेके मुंबई जाना है, फिर वापस अगले दिन 12 बजे कास्टिंग करनी है, फिर वापस रात को 9:30 बजे कास्टिंग करनी है, फिर वापस उसके अगले दिन 12 बजे कास्टिंग करके मुझे वापस से ट्रेन लेके 8:30 तक घर पहुंचना, उसके 1 घंटे बाद वापस से 9 बजे लाइव। तो गाइज शेड्यूल बड़ा बिजी है। It's very easy to you know assume or putting down allegations. मैं तो बोलता हूँ, मैं कहा कोई मेहनत कर ले भाई उतनी तो बेशक। योग जय और रोहन पूरी कोशिश करते हुए। First blood. श्याम एको एको निखिल और योग पुरजोर ताकत से हमला कर रहे हैं। योग जय और रोहन एक बार फिर से वॉल लगाई। योग तेजी से आगे बढ़े। एको एको नॉक। 3v3 है। गलत बंदे पे एम जाता हुआ और क्या शॉट लगाते हैं वहां पे श्याम। आग उगल रहे हैं रोहन युग। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे बीच बचाव करी जाए। एक वॉल लगाने का मौका मिलेगा एक्स्ट्रा। जय ने कहा आगे बढ़िए क्योंकि इनसे अगर भिड़ना है तो क्लोज में जाना पड़ेगा, लॉन्ग में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कमाल खेल रहे हैं श्याम, हेडशॉट चिपका तो दिया वहां पे, गलती कर गए फिर से रोहन। क्या बात है, 3-1 से पीवीएस गेमिंग की जबरदस्त वापसी। RNX ऑल स्टार्स का फाइनल कब है रॉकी भाई? आज रात को बोला तो। गर्दन में बड़ी दर्द है यार। आगे बढ़ते हुए RNX e-sports in front of PVS Gaming। चाहे बिल्कुल एक awkward से एंगल पे खड़े श्याम के पास स्नाइपर की एडवांटेज। रोहन को संभल कर खेलना पड़ेगा, एक खतरनाक खिलाड़ी हैं श्याम। जय आ रहे हैं ऊपर, फुटस्टेप देख लिया, हुमार चला के शाम को स्लो डाउन कर दिया गया है।
संभल कर खेलना पड़ेगा। यहाँ पे एको नॉक हो चुके हैं। योगी और श्याम ने जय को घेर के रखा है, योगी और श्याम ने जय को घेर के रखा हुआ है। बढ़िया शॉट, बढ़िया शॉट, बहुत बढ़िया। फंस गए, फंस गए योगी। योगी हैज बीन ट्रैप, योगी हैज बीन गॉन। 3-2 इज द स्कोर लाइन और बहुत ही लाजवाब कमबैक आरएनएक्सई स्पोर्ट्स का। वालेकुम अस्सलाम अमजद खान साहब, कैसे हैं आप? और कौन कौन क्वालिफाई हुआ है सेमीफाइनल्स के? ये आखिरी सेमीफाइनल्स है। टीएसजी हैज बीन क्वालिफाइड फॉर द फिनाले। टू साइड गेमर्स क्वालिफाई कर चुके हैं ग्रैंड फाइनल्स के लिए। भाई टीएसजी कब खेलेगी? अगला मैच जो भी क्वालिफाई करेगा पीवीएस या आरएनएक्स में से वो ग्रैंड फाइनल खेलेगी। मामू कभी भोपाल आइएगा, जरूर आएंगे सर, जरूर आएंगे। लाइक कर दीजिए गाइस, लाइक कर दीजिए। वो जो थम्स अप वाला बटन है उसके ऊपर क्लिक करके फटाफट फटाफट से लाइक कर दो। आज रात को बहुत बड़ा मुकाबला गाइस, बहुत बड़ा ग्रैंड फाइनल है। श्याम एको एको निकलो, योगी आगे बढ़ते हुए, कुमार युग जय और रोहन। शॉट मिस, जय डैमेज हो चुके हैं। एको नॉकआउट हो चुके हैं। एक बार फिर से शॉट, रोहन नॉकआउट। बहुत बढ़िया शॉट था लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ। जय और युग दोनों ऊपर हैं, मैन टू मैन पूरा एडवांटेज मिल जाएगा यहाँ पे। श्याम ने तो पूरी बखिया ही उधेड़ दी यहाँ पे, 4-2 पीवीएस गेमिंग। और जब तक श्याम खड़े हैं तब तक यहाँ पे अगर आप देखें तो पीवीएस गेमिंग की टूटी बोल रही है। गांजा लेते हैं रॉकी भाई, ड्रग्स फॉरेनर्स के लिए बैन है, रॉकी मामू देसी हैं, बताओ बेटा। बिना सोए बिना खाए पिए कास्टिंग कर, उस दिन तेरे से पूछने आऊंगा मैं। आंखों के नीचे काले गड्ढे ना, रात भर ना सो सो के हुए हैं मेरे भाई, मैं चाय कॉफी भी नहीं पीता। कभी करो करो हमारे जितनी मेहनत करो, 12-14 घंटे कास्टिंग करो, उसके बाद पूछने आऊंगा मैं। देखता हूं कैसा लगता है तुम्हें, क्या बोलते हो उस दिन। RNX Esports आगे बढ़ते हुए, श्याम एको एको निखिल और योगी। शॉट, गलती कर रही है RNX Esports, गलती कर रही है। पता है उनको स्नाइपर्स है, उसके बावजूद भी रिस्क उठा रहे हैं। देखिए बार 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 सेम रिपीटेड गलतियां, उन्हें पता है स्नाइपर्स बैकअप दे रहे हैं फिर भी गलतियां बैक टू बैक। 1v1 है, रिवाइव देना पड़ेगा। श्याम के आते आते युग को भी रिवाइव दीजिए, तभी बात बनेगी। बहुत बढ़िया, कमबैक करना चाह रहे हैं श्याम बिल्कुल अकेले। इस बार तो गए श्याम, इस बार तो चांस ही नहीं दिया। इस बार तो होमार चला के स्लो कर दिया और फंस से गए वहां पे श्याम। रॉकी भाई ओरेंगुटान में वापस आ जाओ ना मैनेजर, हमको वही वाला रॉकी चाहिए जो पहले सीआरएक्स में था। पीवीआर गौरव भाई देखिए ऐसा सीन है वहां पे, ये काम करने के लिए बहुत लोग हैं। ड्यूकर एज अ कोच वहां पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वासियो बापू जैसा एक्सपीरियंस कैप्टन है तो उनको अगर हम जैसा मैनेजर जाएगा तो क्या ही सलाह देगा, छोटा मुंह बड़ी बात वाली सीन हो जाएगी। और अगर ऐसे किसी एक्सपीरियंस बंदे की जरूरत है तो वहां पे जॉन्टी भाई है ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, तो हर तरीके से वहां पे सारे एसेट्स मौजूद हैं। मैं वर्ल्ड ऑफ बैटल में जाऊंगा, जितना हो पाएगा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, बट एट द एंड टीम का फैसला, टीम का फैसला होता है। हम सजेस्ट कर सकते हैं, फोर्स नहीं। वर्ल्ड ऑफ बैटल में भी आपको देखने मिलेगा जिस तरीके से अपन सजेशन देते हैं। मैं बहुत कम बोलता हूँ, लोगों को ऐसा लगता होगा हम बहुत ज्यादा सजेशन करते होंगे। मैंने कभी क्रिटिकल एक्स में भी रहते हुए कभी कोई इतना कन्वर्सेशन या ये वो कुछ नहीं, जहां मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए मैं वही बोलता हूँ, बहुत कम। मैं मजाक मस्ती में पटर पटर जरूर करता हूँ लेकिन खेल के टाइम पर नहीं। मैं कभी भी किसी को वो फालतू का ज्ञान नहीं देता, अरे भाई ऐसा करो, अरे भाई वैसा करो, नहीं। मुझे पता है प्लेयर्स अपने हिसाब से खेलते, जरूरी नहीं है जो हम बोले हर बार वही सही रहे। इस बार एक बार फिर से आरएनएक्स के पास मौका है, लेकिन जब तक श्याम खड़े हैं तब तक आरएनएक्स की टिकट अभी भी कटी नहीं है फिनाले की। तो अगर आप देखें मैन टू मैन एडवांटेज जरूर है लेकिन संभल कर खेलना पड़ेगा। मतलब का मुकाबला चलते
फिर से ताबड़तोड़ शॉट, रोहन हुए नॉकआउट। सामने की तरफ एको एको योग पूरी कोशिश करते हुए, श्याम एको एको और निखिल योग डैमेज हो चुके हैं। जय एको एको बिल्कुल अकेले, एको एको बिल्कुल अकेले, युग का बैकअप चाहिए। और फाइनली ट्रिपल किल कर दिया जय ने, 4-4 की बराबरी। ओजी का क्या, सारा मेहनत की और डिस्क्वालिफाई कर दिया आपने। देखो शिवा भाई, फालतू का मत बात करो, ओरेंगुटान का शेड्यूल फ्री नहीं है, हमने डिस्क्वालिफाई नहीं किया, बाई दिया है। और बकायदा ओरेंगुटान से डिस्कशन करके उनको बाई दिया गया है, ऐसा नहीं है कि बिना ओरेंगुटान को बताए किसी को बाई दे दिया। ओरेंगुटान से हमने खुद पूछा, उन्होंने बोला देखिए हम एक दिन में 3 टूर्नामेंट से ज़्यादा नहीं खेलेंगे, हमारे प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो भाई वो उनका डिसीजन था, हमारा नहीं, हमने किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं करा, ओरेंगुटान का फैसला था ये। और ये टूर्नामेंट एक्चुअली देखा जाए तो 5 दिन तक रुका हुआ था क्लैश क्वाड का। अब अंत में गाइस 5 दिन बाद हमें एक पर्टिकुलर कमिटमेंट रहती ना, इतने से इतने दिन में टूर्नामेंट फिनिश करना है, तो वो लास्ट डे तक पहुंचेंगे तो फिर उसमें तो फिर लास्ट दिन कुछ ना कुछ तो फैसला लेना पड़ेगा। तो लास्ट में ओरेंगुटान ने भी बोला, बोले कोई दिक्कत नहीं है, हम इस पर्टिकुलर इसमें क्लैश क्वाड में वैसे भी ज़्यादा फोकस नहीं रहते, फुल मैप में ज़्यादा फोकस रह रहे हैं पर, तो बाई दे दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है हमें। यूकर भाई से इनके मैनेजर है निखिल अपने ओरेंगुटान के, उनसे सबसे पूछकर ही फैसला लिया गया, अपनी मर्जी से नहीं थोपते, अपनी मर्जी से नहीं थोपते भाई, कोई नहीं थोपता एक्चुअली। निखिल यहाँ पे अगर आप देखें ताबड़तोड़ हमला करने की कोशिश करते हुए, शॉट बहुत ही बढ़िया, एक और शानदार नॉकआउट। यहाँ पे RNX Esports ने अगर आप देखें तो बाजी मार ली, 5-4 हो गया स्कोर लाइन। आज लगता है 3 बजे तक सब खत्म हो जाएगा। कब जा रहे हो वर्ल्ड ऑफ बैटल के बूट कैंप? अक्टूबर 15 के बाद। मामो आप बहुत अच्छे हैं, शुक्रिया इट्स गेमर भाई, यही सुनना चाहता हूँ बस। रखे भाई मेरे को पहचाना, मैं जॉब के लिए बोल रहा था, आपने रावण भाई से पूछा था, हाँ याद है, याद है मोटिवेशन भाई। TSG में जाइए रॉकी भाई, बट साइंड हूँ, कॉन्ट्रैक्ट है वो वर्ल्ड ऑफ बैटल का, एज दैट टीम एनालिस्ट एंड मैनेजर। किसी और टीम को मैनेज नहीं कर सकते। योगी, श्याम, एको एको, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शॉट था, एक और जबरदस्त शॉट। श्याम यहां पे डटे हुए हैं और 6-4 RNX Esports ने क्या लाजवाब वापसी कर ली। कितना मिलता है रात भर जगने का, क्या मतलब? मामू RNX ऑल स्टार्स में TM है क्या? माफिया शायद क्वालिफाई नहीं किया, आई डोंट नो, गेम ओपन नहीं हो रहा है रॉकी मामू। ओके मैं बोल दूंगा कि कई कई लोगों का गेम ओपन नहीं हो रहा है। और मैं बता दूं जियो फाइबर के नेट में गेम ओपन नहीं होगा, पहले बोल दे रहा हूँ। जियो फाइबर और कई जगह एयरटेल एक्सट्रीम में भी ओपन नहीं हो रहा, नॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ अगर आप जाते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप जियो फाइबर के साथ जा रहे हो तो गेम ओपन नहीं होगा, पहले बोल देता हूँ, ठीक है। रोहन, जय, युग और कुमार तेजी से आगे बढ़ते हुए, श्याम, एको एको, निखिल और योगी, पूरी कोशिशें जारी हैं। कुमार आ गए, योगी से पंगे महंगे पड़ेंगे। RNX Esports आसानी से ये मैच खत्म करना चाहेगी। श्याम नॉक, बड़ी बड़ी कामयाबी हाथ लग गई, बड़ी कामयाबी हाथ लग गई। द टीम मैन PBS गेमिंग से श्याम गए, इस बार RNX नहीं छोड़ने वाले। निखिल नॉकआउट, एको एको, और क्या शॉट लगा है युग पे, क्या बात है, एको एको अकेले रह गए। और यहाँ पे खेल तमाम, RNX Esports फॉर द ग्रैंड फाइनल्स, मुबारक हो RNX, RNX Esports ने ग्रैंड फाइनल का टिकट ले लिया। ऑलरेडी एक फाइनल जीत चुकी है इंडिया बनाम नेपाल का मार्कोस का टूर्नामेंट, ये जीत चुके हैं, और अब ये मार्कोस इन्विटेशनल क्लैश क्वाड का ग्रैंड फाइनल्स में भी खेलेगी। RNX Esports बनाम टू साइड गेमर्स का मुकाबला होगा। दे दिया जाए ID पासवर्ड टू साइड गेमर्स को,
ग्रैंड फाइनल, एक और ग्रैंड फाइनल। हाँ आप भी भेज दो, ठीक है, ले पवन को, सेम पासवर्ड है। दे दिया राउंड भाई, पवन ने देख भी लिया, ओके भी बोल दिया। वेल डन। रोकी भाई आप टेनिस खेलो के लग गए हो, क्या हो गया? हाँ टेनिस के बैक टू बैक मैचेस हो गए, बट कोई नहीं राउंड भाई, मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आरएनएक्स में वैसे भी हर बंदा मेहनत करता है, रावण भाई जैसा यू नो दिन रात मैनेजमेंट के लिए बंदा भी चाहिए जो अपने काम से भी आके देखे, रॉकी भाई जैसा भी कास्टर चाहिए जो दिन रात यू नो कास्टिंग करने के बाद भी अपना टूर्नामेंट चलाता रहे, नींद पूरी हो चाहे ना हो, काम पहले उसके बाद बाकी सारी चीजें, तो वही चीज है। प्राउड ऑफ द बॉयज जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं एक के बाद एक। ओरेंगुटान की जगह पर कौन है? ओरेंगुटान की जगह पर कोई नहीं है, ओरेंगुटान क्वालिफाई की थी, उनकी जगह पे किसी को नहीं ले सकते। ओरेंगुटान और टीएसजी का सेमीफाइनल होना था, तो ओरेंगुटान नहीं खेले तो टीएसजी को बाई मिल गया फाइनल्स का। हम रिप्लेस नहीं करते हैं, रिप्लेस हमारे यहाँ नहीं होता है, रिप्लेस होता ही नहीं है हमारे यहाँ पे। रॉकी मामू आपका लाइव स्ट्रीम फैमिली के साथ टीवी पे देखता हूँ, लव यू रॉकी मामू। रात के मैच कितने बजे हैं? 9:30 से है शायद, 9:30 9:30 9:30 बजे से हैं गाइस, 9:30 9:30 से हैं। ऑफिशियल टूर्नामेंट कब तक स्टार्ट हो जाएगा रॉकी भाई? नो आइडिया। लाइक करते रहिए गाइस, 6000 लाइक टारगेट पूरा कीजिए। रॉकी मामू इट वुड बी एन ऑनर फॉर मी टू प्ले अंडर योर कमेंट्री, थैंक यू। क्या यहां पे टू साइड गेमर्स आरएनएक्स की विजय रथ को रोक पाएगी? पैसा कितना मिलता है ये सब करने का? मुझे करना है, अच्छा दाल रोटी चल जाती है, दाल रोटी चल जाती है गाइस, दाल रोटी चल जाती है हमारी। दाल रोटी से याद आया, कुछ खाया नहीं है मैंने, घर पे कुछ खाना बना है या मोमोज मंगवाना पड़ेगा? मोमोज मंगवाएंगे हम, आई लव मोमोज। पवन आयो से पवन तो आ गए राउंड भाई, देखते बाकी कब आते हैं। अभी तो आ गया, देख लो रंग ले से है। अंशु हाँ सब्स्टिट्यूशन जान मुझ के लिया गया है। Hmm.
केएसजी का इंतजार चल रहा है गाइस। जैसे ही टीएसजी आ जाएगी वी आर सपोज टू स्टार्ट द मैच गाइस, फटाफट से शुरू कर देंगे अपन। Who is the best? RNX. Yes, please start the match. Please start the match if everyone is ready. Anshu solo. One minute. Don't start the match. Start bola hai. Ruko. Ready? Start, please start the match. चलिए मुकाबला शुरू गाइस, जस्ट अ सेकंड। खाना ऑर्डर कर देता हूँ, फिर ऑर्डर करने को भी नहीं मिलेगा, खाने को भी नहीं मिलेगा। ऐसा गाइस। बहुत ही जबरदस्त शॉट, युग नॉकआउट हो चुके हैं जस्ट सेइंग गाइस। खाना मंगवा लेते हैं भाई, वरना फिर खाने को नहीं मिलेगा अपने को। कूपन भी खत्म हो गया। अभी मंगवा दूंगा तो 50 मिनट में तो डिलीवरी आई जाएगी। RNX Esports बनाम Suicide Gamers guys, आर पार की लड़ाई, ग्रैंड फाइनल्स, फाइनल मैच, लेजेंड और यहां पे अगर आप देखें TSC लेजेंड आगे बढ़ते हुए, खूबसूरत शॉट, लेजेंड नॉकआउट हो चुके हैं Blackie पूरी कोशिश करते हुए। चलिए यहां पे अगर आप देखें, तैयार है RNX Esports पूरी तरीके से इस ग्रैंड फाइनल को अपने नाम करने के लिए। RNX Esports एक के बाद एक क्लैश वर्ल्ड के चैंपियनशिप जीतते ही चले जा रहे हैं, और ये एक बार फिर से अगर आप देखें RNX Esports की तूती बोल रही है। इस बार एक बार फिर से अगर आप देखें, अंशु के आने के बाद काफी प्रभाव पड़ा है युग आगे बढ़ते हुए। युग बनाम अंशु, खतरनाक खिलाड़ी युग और जय, पासा पलट देंगे युग अगर पहुंच गए। अरे गड़बड़ कर दी, आप युग को मौका नहीं दे सकते। युग को मौका नहीं दे सकते आप। युग जितनी बार वहां पे कितने शॉट मिस कर गए, और यहां पे जय आगे बढ़ते हुए। ब्लैकी डबल किल, 1v1 युग बनाम ब्लैकी, गलती कर रहे हैं युग। डबल किल, ब्लैकी के पास अच्छा एंगल है, शॉट बढ़िया था, कनेक्ट नहीं हुआ, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। और क्या बात है युग, ट्रिपल किल बाय युग का ट्रिपल किल।
जॉन्टी भाई ने इसलिए गाली देता है, ओरेंगटॉन को हटा दिया टोने, मतलब समझा नहीं आपका, कमेंट ही नहीं समझा मैं, थोड़ा क्लियर लिखिए। अनिरबान फेकू चंद, मेरा नाम अनिरबान है ये ही नहीं। हेलो रॉकी भाई, लव फ्रॉम नेपाल, लव यू टू सर, कैसे हैं आप? मोती मिले माया गोरसू। की लेजेंड अंशुर पवन आगे बढ़ते हुए जाए, और क्या शॉट था पवन पे, कमाल के प्लेयर्स टू साइड गेमर्स में। पिछली बार आरएनएक्स को 7-1 से इन्होंने लगभग लगभग हरा दिया था और ले गए थे मैच, बट नहीं, फिर से एक बार युग और जय की जोड़ी ने मिलकर वापसी कर ली थी। लेकिन इस बार लेजेंड नई स्ट्रेटेजी के साथ, लेजेंड को अच्छे से पता है आरएनएक्स को हराया जा सकता है, संभव है, बिल्कुल संभव है। अगर आप किसी टीम को 7-1 से मात दे सकते हो तो इसका मतलब है आपसे कहीं ना कहीं चूक हुई है, वरना आपको पता है इनको आप हरा सकते हो, दे कुड बी बीटन। योग रोहन जय लकी खड़े हैं, जय नॉकआउट हो गए, बचने का मौका नहीं मिल रहा है। लेजेंड ने रोहन को भी नॉक कर दिया, आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं सारे, युग तो गए। ट्रिपल किल, एक एक की बराबरी, ट्रिपल किल एक बार फिर से टीएजी लेजेंड द्वारा भी, एक एक की बराबरी, पहला ही मुकाबला है। सब मेरे को मोमोज ऑर्डर कर दो, 2 दिन से भूखा हूँ। मोमोज का नाम सुनते अच्छे अच्छों को भूख लग जाती है सालो, मुझे अच्छे से पता है कितने भूखे हो तुम लोग। तुम लोग वही हो रात का दाल चावल खाते नहीं हो। मैं तो मजबूरी में घर में कुछ बना नहीं है, मेरी मम्मी भी सर्विस पे जाते हैं, पापा अलग घर में रहते हैं, कोई दूसरा है नहीं बोल के, हम लोग थोड़ा बहुत कभी कभार बाहर का खा लेते हैं। मेरी बात और है, तुम लोग साले घर में होते हुए भी तुमको बाहर का खाना है। कुमार युग जय और रोहन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ब्लैकी लेजेंड अंशु एंड पवन शॉट, रोहन जय युग बहुत बढ़िया शॉट था, जय डैमेज हो चुके हैं रोहन कुमार और युग। लेजेंड अंशु और पवन, फिर से आगे बढ़ते हुए कुमार, सामने खड़े हैं ब्लैकी, ये चला दी इन्होंने होमार, जय हो चुके हैं नॉक। कुमार का खराब प्रदर्शन, बैकअप देते देते ही यहां पे आरएनएक्स की पूरी टीम गई, बैकअप देते देते आरएनएक्स की पूरी टीम गई, 2-1 हो चुका है स्कोर लाइन। लव फ्रॉम बिहार रॉकी भाई, लव यू टू, रॉकी बोलते लव यू टू ब्रो। रॉकी भाई मैक्स भी जाने वाला है क्या? हाँ बस यही यही करते रहो, पूरा दिन यही करते रहो। मेरे को एक बात बता भाई, जाने वाला हो आने वाला हो, तुम लोग बिना कमेंट के कभी गेम खेलते भी हो? खेलो ना, ई स्पोर्ट्स खेलो, इतने अच्छे अच्छे स्कोप है उसको करो ना काम। ये पहली बार मैंने देखा है गेम होते हुए भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो आप लोग, खेल तो लो पहले, जो है वही नहीं खेलते हो। लव लव फ्रॉम राय बरेली रॉकी भाई, लव यू टू। आई एम फ्रॉम नेपाल रॉकी बामू, लव यू टू सर, मोती मिलाई माया गौर। आगे बढ़ते हुए रोहन की लेजेंड, लेजेंड नॉक, मौका मिल गया आरएनएक्स को, मौका मिल गया कमबैक का मौका आरएनएक्स के पास। फिर से एक बार रोहन को टिके रहना पड़ेगा जब तक युग उस सिचुएशन तक पहुंचे। लेजेंड को खत्म किया है यहाँ पे जय कुमार और युग, लैकी अंशु पवन, आगे बढ़ते हुए बहुत बढ़िया शॉट कुमार का, रोहन नॉक हो गए जिसके बारे में मैं बात ही कर रहा था, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि ब्लैक अकेले बचे हैं, इसलिए यहाँ पे 2-2 की बराबरी कर लेंगे। आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स और टीएजी के बीच में बिल्कुल यहाँ पे कांटे की टक्कर। ओजी को क्यों हटाया तूने? पहली बात तो मैंने नहीं हटाया, डोंट ड्रैग मी, मैं 50 बार बोल चुका हूँ
फैसला मैनेजमेंट करती है, मैं नहीं करता हूँ। और ओरेंगुटान का फैसला था ये, हमारा ये कोई मैनेजमेंट का भी फैसला नहीं था। ठीक है, ओरेंगुटान का खुद का फैसला था ये, मैनेजमेंट का भी फैसला नहीं था। और मुझे तो बिल्कुल ही मत ट्रैक कीजिए, मेरे को कुछ नहीं मालूम इस बारे में। लव फ्रॉम कर्नाटका रॉकवे, लव यू टू ब्लैकी लेजेंड अंशु और पवन। अब यहाँ पे ये जो पहला मैच है, इसको अपने कब्जे में अधीन करने की कोशिश करनी पड़ेगी। टीएसजी वापसी जब से करे हैं तब से आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स और इनके खिलाफ जो मुकाबला चल रहा है कांटे की टक्कर का, पहले मैं देख लूँ, ये पहला ही मैच है ना, मैं भूल गया, इतने मैच कास्ट करे हैं मैंने, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। हाँ पहला ही मैच है, पहला ही मैच है, पहला ही मैच है। लव फ्रॉम रायबरेली रॉकी भाई, लव यू टू रोहन जय युग और कुमार ब्लैकी लेजेंड अंशु और पवन, पुरजोर कोशिश करते हुए। ब्लैकी कुमार युग जय एंड रोहन, ब्लैकी लेजेंड अंशु और पवन यहां पे आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। रोहन जय और युग के पास भी मौके काफी हसीन। रोहन युग और ब्लैकी लेजेंड अंशु और पवन आगे बढ़ते हुए। एक बार फिर से डैमेज आता हुआ, एक बार फिर से ताबड़तोड़ हमले, ब्लैकी नॉक हो गए, आरएनएक्स को फिर एक मौका मिल गया। युग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेजेंड नॉक हो गए, कमर टूट गई वहां पे, टीएसजी फंस गए, गए काम से, 2 से लीड पे आ चुके हैं आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स, बहुत ही बढ़िया। हेलो रॉकी भाई, लव फ्रॉम कोलकाता, लव यू टू मिसाबुल हुसैन, कैमोन आशन। रॉकी भाई मेरे को दूसरे वाले मोमोज खिला दो, मोमोज दूसरे वाले क्या होते हैं भाई। जोश से बोलो टीएसजीओपी, टीएसजीओपी। एक बात बताऊं गाइस, कुछ लोग पता है वेज मोमोज नहीं खाते, पता नहीं कैसे खा लेते हैं। How could you eat veg momos? How? Shot. Kumar has been damaged. Yug Jay तेजी से आगे बढ़ते हुए। Jay कोशिश अभी भी जारी, Jay द्वारा एक अच्छी रणनीति के तहत यहाँ पे खेल रही आरएनएक्स, देखकर अच्छा लगा। अपने से दुगनी एक्सपीरियंस टीम के सामने भी घुटने नहीं टेके हैं, डटकर मुकाबला कर रही है। पहले एक बार आज के दिन हरा चुके हैं सुसाइड गेमर्स को, और लेवल बढ़ा हुआ है। ऊपर जाने की जो रणनीति थी, जो मंशा थी, वो यहाँ कामयाब नहीं होगी। आरएनएक्स को पता है हमें एक मैच जीतना है, उसके बाद हम प्रेशर बना सकते हैं। आस्क रॉकी, दुर्गा पूजा में क्या प्लान है रॉकी भाई? कुछ खास नहीं ब्रो, अपने तो कास्टिंग कास्टिंग और कास्टिंग, माँ दुर्गा से प्रार्थना करने एक दिन जाऊंगा जरूर, अष्टमी अष्टमी के दिन मैं जाऊंगा जरूर, एटलीस्ट यू नो लाइफ में कुछ हासिल करना चाहता हूँ वो मिले। जय आगे बढ़ते हैं, एक और जबरदस्त शॉट, ट्रिपल किल यहाँ पे, इस बार 4-2 से यहाँ पे सक्सेस मिल चुका है। क्या बात है, एक नंबर चल रहा है गेम, एब्सोल्युटली लेजेंड गेमर्स ऑफिशियल, एक नंबर गेम चल रहा है। इसका मतलब अपना भाई को भूखा रख के आप ओके हो रॉकी सर? नहीं ऐसी बात नहीं है, बट अपना भाई अगर
कमी ना हो, घर घर में दाल चावल सब्जी रोटी बनी हो फिर भी मोमो खाएगा, वो गलत बात है। रॉकी भाई के पास घर में है नहीं कुछ अभी बना के खाने को, और मैं अगर खाना बनाने जाऊंगा तो मेरे को 6 बजे भी कास्टिंग है, 9:30 बजे भी कास्टिंग है, फिर मिलेगा नहीं। मैंने अभी ऑर्डर किया है, वो वेसू से आते आते अड़ाजन में कम से कम 40-50 मिनट लगेगा, इसीलिए मैंने मंगवा लिया कि एज सुन एज लाइव खत्म करते ही, शायद लाइव खत्म होने से पहले मिल जाए मेरे हाथ में, तो भाई उसको खा पी के थोड़ी देर 1-2 घंटा आराम तो कर सकूं। कमाल का मुकाबला चलता हुआ, 40 मिनट लगेंगे, 39 मिनट बाकी हैं अभी भी। फूड बिंग प्रिपेयर्ड चल रहा है, खाना बन रहा है। कुमार तूफान तेजी से आगे बढ़ते हुए AFF सामने खड़े हैं, RNX Esports के एथलीट्स जो बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं, 4-2 से लीड ले चुके हैं। पहला मैच अगर जीत लिया RNX ने तो बड़ा मुश्किल होगा टू साइड गेमर्स को RNX को हराने के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हुआ RNX के प्लेयर्स का, गलती कर ही नहीं रहे। लेजेंड भी डैमेज, कुमार भी डैमेज, दोनों डैमेज। युग ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं इस बार बात नहीं बनी, फैसला सोच समझ कर लेना पड़ेगा RNX के प्लेयर्स को। हेडशॉट लगानी पड़ेगी यहाँ से, बॉडी शॉट से आप रैंडम फायर दे रहे हैं, तो बहुत बढ़िया शॉट था जय का, बहुत बढ़िया शॉट था। लेजेंड फंस गए, फंस गए। ब्लैकी बिल्कुल अकेले, बैरल की मदद से 4 प्लेयर्स आप नहीं मार पाएंगे, ये राउंड भी RNX के खाते में जाएगा। 5-2 स्कोर लाइन हो चुका है। रॉकी भाई अलाहाबाद आ मत जाना, यहाँ बहुत हिटर्स हैं तुम्हारे, जान ले लेंगे आपकी। इलाहाबाद में मेरे हेटर्स हैं, मेरी जान ले लेंगे, और मेरे को हेट करने वाले वो लोग हैं कौन? मेरी तो ना तो किसी क्रिएटर से दुश्मनी है ना किसी से, और मुझे इलाहाबाद में कौन रोकेगा बे? मैं अपना असली परिचय दे दूं तो शायद इलाहाबाद वाले गले लगा लेंगे मुझे। चलो आज एक हल्का हिंट दे ही देता हूँ, इलाहाबाद से है ना, दे ही देता हूँ हल्का हिंट। इलाहाबाद में एक बहुत पुराना सिनेमा थिएटर हुई, मोती महल, ठीक है। अब वो जो मोती महल सिनेमा थिएटर था ना, वो किसी जमाने में मेरे पुरखों का गेहूं का गोदाउन हुआ करता था स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से। अब आप पता कर लीजिए कौन हूँ, पुरानी बहराना रोड पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। फर्स्ट ब्लड, पुरानी बहराना रोड पे जो पुराना पुश्तैनी घर है हमारा, उसका नाम है पुटली, पुटली पापा की दादी, मेरे पिताजी की दादी माँ के नाम पे बनाया गया था पुटली। तो आप पता लगा लीजिए मैं किस फैमिली से हूँ, नाम भी पता चल जाएगा। रोहन युग आगे बढ़ते हुए दे दिया परिचय, लो नाम तो नहीं बताया, नाम आप पता लगा लीजिए। रोहन इस बार तो टी साइड गेम है ताबड़तोड़ कमबैक कर चुके हैं, इस बार बात नहीं बनेगी ना। रोहन अब तक इस पर क्या शॉट लगाया लेजेंड को, ज्यादा शॉट आप लगा सकते हो लेकिन पूरी TSG को मात देना बड़ा मुश्किल। 1v4 नो चांस, और लीजिए पवन की लाजवाब वापसी। 3-5 हो चुका है स्कोर लाइन। रॉकी सर नेपाली मोमो खाइएगा एक बार जरूर, नेपाल में आकर खाएंगे। कौन जीता ग्रैंड फाइनल? पहला इंडिया वर्सेस नेपाल जीत चुका है RNX Esports, स्विगी से मंगवाया। हाँ जी इलाहाबाद में हमारी जान लेगा कोई, माय गॉड। तुमको पूछते नहीं घर बोल दिया, घराना बोल दिया ब्रो, खानदान तक का परिचय दे दिया मैंने, अब पता लगा लो मैं कौन हूं। अगर वाकई में इलाहाबाद से हो 2 दिन लगेंगे पता करने के लिए मैं कौन हूं। बट कीप इट टू योरसेल्फ ओनली, ओके, डोंट टेल एनीवन, अपने तक ही रखना, बताना नहीं किसी को। लेजेंड अंशु, पवन, रोहन, जय, युग, और प्लीज मेरे रिश्तेदारों से मिलने मत जाना, वहां जाके परिचय मत मांगना, डिस्प्यूट चल रहा है, पहले बोल रहा हूं फिर बोलना नहीं आपके रिश्तेदारों के घर गए
उन्होंने ऐसा ऐसा बोला। पहले कह रहा हूँ भाई, रिश्तेदारों के साथ डिस्प्यूट है हमारा, इसी वजह से हम लोग गुजरात रहते हैं। परिचय तक बोल दिया मैंने, इससे ज्यादा और कोई बोलेगा नहीं। विन और लूज नो मैटर, टीएसजी नीड्स टू ग्राइंड आरएनएक्स ओपी। वाओ, लाइक योर कॉन्फिडेंस ब्रदर विकास। थोड़ा गेम साउंड कम करिएगा, जरूर कर देंगे ब्रो, आप बोलिए तो सही, आप जो बोलेंगे हो जाएगा, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। ये लीजिए, थोड़ा कम कर दिया मैंने। मैं वेसु में हूँ, मोमो भेज दूँ? अरे आ रहा है, 30-40 मिनट लगेंगे। वेसु में डीमसु, मैं ना डीमसु मोमोज मैं वहीं से खाता हूँ, मुझे तो बड़ा पसंद है। कुमार नॉक हो जाएंगे युग पूरी कोशिश करते हुए। जाए 5-3 से इस वक्त आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स आगे है। ओके भाई, आज जोश क्यों नहीं दिख रहा है आप में? क्या बात है बताइए, जहां पे जोश दिखना चाहिए वहां दिखेगा ब्रो। अभी तक तो कोई ऐसा जबरदस्त फ्लैश देखने को मिला नहीं है। रोहन तेजी से आगे बढ़ते हुए, रोहन तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बात नहीं बन रही। आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स की वाट लगा दिया यहाँ पे टू साइड गेम में। युग अकेले और अकेले ही रह जाएंगे। लेजेंड को चाहे नॉक कर दीजिए आप, यहाँ पे अंशु आपको छोड़ेंगे नहीं। 4-5 से वापसी कर चुके हैं टू साइड गेमर्स। रॉकी मामू आप एक बार मराठी में बोलिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय शिवराय, जय श्री कृष्ण। रॉकी भाई जय श्री कृष्ण, लव यू रॉकी भाई, लव यू टू। रॉकी मामू पहाड़ी का स्टोरी का क्या हुआ? कर तो दिया कल, मैंने कहाँ किया था टूर्नामेंट, कल का टूर्नामेंट पोस्टपोन कर दिया था हमने। पहाड़ी की बात का मान रखते हुए तो पोस्टपोन किया मैंने, अपना तो ग्रैंड फाइनल रात को ही होना था। कल एक दिन विश्राम दिया तो सही प्लेयर्स को, एक पूरा दिन विश्राम दे दिया भाई प्लेयर्स को मैंने, और क्या करूंगा। रोहन जय युग और कुमार आगे बढ़ते हुए, लैकी लेजेंड अंशु और पवन कोशिश अभी भी जारी। पवन तेजी से आगे बढ़ते हुए ऊपरी सतह पे गए हैं। रोहन जय युग और कुमार यहाँ पे तैनात जरूर है, लेकिन अब लीड लगभग बराबरी पे आ चुकी है। कमाल का मुकाबला चलता हुआ, लाइक टारगेट पूरा कर दीजिए गाइज। लेजेंड अंशु और पवन आगे बढ़ते हुए, शॉट, एक और जबरदस्त शॉट। जय फर्स्ट ब्लड, आगे बढ़ते हुए लेजेंड एक बार फिर से यहां पे 5-5 की बराबरी पे आ चुके हैं टू साइड गेमर्स। अनबिलीवेबल कमबैक बाय द टू साइड गेमर्स। आरएनएक्स का स्नाइपर कौन है? अभी तक तो कोई नहीं, कभी कभार जय चला लेता है। आई वांट टू सी आरएनएक्स सेम डोमिनेशन गेम इन फुल मैप्स। लव फ्रॉम एसटीएम सर। अब ये तो देखिए आरएनएक्स पे है, आरएनएक्स किस हिसाब से खेल पाती है वो तो उनके ऊपर है। आरएनएक्स का स्नाइपर कौन है? स्नाइपर तो कोई नहीं है मामा भाई। कभी कभार जय थोड़ा बहुत स्नाइपर चला लेते हैं। पे 5-5 की बराबरी है, टू साइड गेमर्स बनाम आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स, ताबड़तोड़ मुकाबला चलते हुए, कांटे की टक्कर है। जो पहला मैच जीतेगा उसके पास काफी एडवांटेज रहने वाला है गाइस, पहला मैच जो भी जीतेगा उसके पास काफी एडवांटेज रहने वाला है। जय युग कुमार और रोहन, इससे बेहतर मौका मिलेगा नहीं। टू साइड गेमर्स को टैकल करना इतना आसान होने वाला है नहीं। अगर आप देखें ब्लैकी तैयार हैं, सामने की तरफ खड़े हैं जय और युग, 2v2 फाइट ऊपरी सतह पे, नीचे पे भी 2v2 फाइट है। रोहन जय युग कुमार, सामने ब्लैकी और पवन, अंशु और लेजेंड नीचे की तरफ। यहां पे जय को डैमेज आ गया, पवन बनाम जय
यहाँ पे अगर आप देखें दोनों तरफ से हुमार चली है, सोची समझी रणनीति के तहत चलती है टीम युग। टीएससी और आरएनएक्स की सोच लगभग एक सी, बहुत कांटे की टक्कर चल रही है, इसको बोलते हैं कंपटीशन। ड्रोन व्यू से अगर आप देखें यहाँ पे चारों तरफ प्लेयर्स मौजूद, पवन और ब्लैक इकट्ठे हो चुके हैं। युग और जय हल्का सा स्प्लिट आउट स्ट्रेटेजी, पवन यहाँ पे कुमार को नॉक कर सकते हैं, चलिए अंशु ने ही नॉक कर दिया, रोहन फंस गए। बहुत बढ़िया शॉट था, पीछे से प्लेयर आ जाएगा और यहाँ पे पूरी की पूरी आरएनएक्स की बकिया उधेड़ दी, पूरी की पूरी आरएनएक्स की बकिया उधेड़ दी। एक और जबरदस्त शॉट, 6-5 हो चुका है स्कोर लाइन, टू साइड गेमर्स के पास, बहुत बढ़िया मौका है। दुर्गा पूजा में कभी वेस्ट बंगाल आइएगा, जरूर आएंगे ब्रो। रॉकी मामू ओजी क्यों नहीं खेल रहे, उनका गाइज कहना है कि टीम के ऊपर ज्यादा प्रेशर आ रही है, तो टीम एक दिन में 3 टूर्नामेंट से ज्यादा टूर्नामेंट नहीं खेलेगी। भरूच आइएगा कभी, भरूच आता जाता रहता हूँ मैं। रॉकी भाई ओजस्वी कहाँ है आजकल, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे? नो वॉइस रॉकी भाई, क्या बात कर रहे हो, वॉइस आ तो रही है, देखते हैं क्या होने वाला है। मामू अब पब्लिक आएगी, सबके एग्जाम खत्म हो गए हैं आज, हाँ आएगी आएगी, रात से आना चाहिए। लव फ्रॉम एमआईटी पुणे, मैंने एमआईटी पुणे से गाइस एमसीए किया है। W2 फर्स्ट ब्लड, कुमार योग आगे बढ़ते हुए, ब्लैकी लेजेंड अंशु एंड पवन मुकाबला करते हुए आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स से। Esports बनाम टू साइड गेमर्स, TSG is on the lead, 6-5 हो चुका है स्कोर लाइन। रॉकी भाई पाड़ी ने लाइव पर आपको गाली दी, ये हो नहीं सकता ब्रो, पाड़ी कभी मुझे गाली नहीं देगा और कभी गाली दे ही नहीं सकता वो मुझे, हाँ मजाक करते रहते हैं ठीक है, रॉकी भाई ने ऐसा बोला ऐसा बोला वो होता है, लेकिन कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करी मेरी और ना कभी करेगा, मैं पहाड़ी को और पहाड़ी मुझे अच्छे से जानता है और हमारे में जो भाईचारा है, जो भाई जैसा रिश्ता है वो हमेशा बना रहेगा, चाहे वो कहीं पे भी रहे चाहे मैं कहीं पे भी रहूं, ठीक है। आइको के साथ भी, किलर के साथ भी, जॉन्टी भाई के साथ भी, तनेजा के साथ भी, सबके साथ ठीक है, तो पहाड़ी से नहीं सबके साथ अपना एक जैसा रिश्ता है। आइकॉनिक थोड़ा ज़्यादा क्लोज है अपने, ऑनेस्टली स्पीकिंग आइको से थोड़ी बातचीत ज़्यादा हो जाती है, बट पहाड़ी भी दिल के करीब है, ऐसी बात नहीं है, और ये गाली वाली भाई देते ही नहीं है, पहाड़ी उस किस्म का बंदा ही नहीं है, आपको जो लग रहा है ना कि पहाड़ी मुंह उठा के किसी को भी गाली देता है, ऐसा नहीं है ब्रो, उसे कुछ बुरा लगता है तभी वो बोलता है, वरना पहाड़ी सच कहूँ तो पूरे बूट के मैं सबसे शांत बंदा था जितने दिन मैं साथ में था। आगे बढ़ते हुए रोहन सामने खड़े, लेजेंड तेजी से आगे बढ़ते हुए, लेजेंड एक बार फिर से, और यहाँ पे रोहन तो गए, टीएसजी ने पूरी बाजी मार ली, पहला मैच यहाँ पे टू साइड गेमर्स ने अपने नाम कर लिया, मुबारक हो टीएसजी, टू साइड गेमर्स ने पहला मैच अपने नाम कर लिया, फेरो बनाई है टू साइड गेमर्स, पहला मैच जीत चुके हैं यहाँ पे टीएसजी। कैन वी सी द हैशटैग फॉर टीएसजी, टीएसजी, TSG, yeah guys, TSG OP बोलते, TSG सबकी खोपड़ी खोलते, is 1-0, two side gamers is in the lead. Two side gamers is in the lead. एक मिनट बोला है। ऑर्डर पिकअप हो गया, 20 मिनट में खाना आ रहा है, शूशू करके आया, ओके शूशू करने जा रहे हैं ब्लैकी, ब्लैकी शूशू करने जा रहे हैं। आप सूरत में रहते हैं? हाँ मैं तो सूरत में ही पला बड़ा हूँ ब्रो। रांदेर सूरत से हो रॉकी भाई, आप कहाँ से हो? बस आपके रांदेर के 1 किलोमीटर पीछे, प्राइम मार्केट के पास 1.5 किलोमीटर पीछे आप जहाँ रहते हो वहीं से।
अगर एमसीए किया तो जॉब क्यों नहीं की? आपको किसने बोला मैंने जॉब नहीं की? किसने बोला आपको मैंने जॉब नहीं की ब्रो? मैं तो यूट्यूब पे आया हूँ 27 साल 26 साल की उम्र में, 30 आई एम राइट नाउ, 30 साल की एज है मेरी, आपको लगता है मैंने जॉब नहीं किया? कमाल बंदे हो भाई। अरे वो इलाहाबाद वाले भाई कहाँ चले गए? चलो लेट्स स्टार्ट द मैच। वो इलाहाबाद वाले भाई कहाँ चले गए, पता करने चले गए क्या वाकई में? बिल्कुल 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 पता कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ब्रो। लैकी लेजेंड अनश्योर पवन, बिल्कुल पता कर लीजिए भाई। शॉट लेजेंड के ऊपर, रोहन जय युग और कुमार, बढ़ते हुए यहां पे द टीम ऑफ टू साइड गेमर्स पहला मैच जीत चुके हैं। जय पे डैमेज आता हुआ, लेजेंड को नॉक कर दिया जय ने हेडशॉट के चलते, बहुत बढ़िया शॉट था। कुमार ने अपना काम कर दिया, फंस गई टीएसजी। पवन बिल्कुल अकेले, युग के ऊपर डैमेज आया था लेकिन डैमेज डैमेज ही रहेगा, किल नहीं कर पाएंगे। जय का एंगल बहुत ही सॉलिड बना हुआ है। डबल किल। पवन जय के खिलाफ मुकाबला करते हुए, शॉट, युग का हेडशॉट लग गया। काफी डैमेज खाई थी युग ने लेकिन 1-0 से लीड दिला दी यहाँ पे आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स को। हमारे रॉकी मामू लाखों में एक है तो उन्हें छोड़ दो, मैं एक मामी मिलेगी, करोड़ों में एक मामी मिलेगी। अच्छा करोड़ों में, भाई स्पेलिंग क्या लिखा है, करोड़ों में एक मामी मिलेगी। देखते हैं क्या होने वाला है गाइज। अरे वो इलाहाबाद वाले भाई किधर चले गए भाई? लव फ्रॉम असम, लव यू टू ब्रो। रोहन जय युग और कुमार आगे बढ़ते हुए, रोशन जय युग और कुमार तेजी से आगे बढ़ते हुए, फिर से एक बार जबरदस्त शॉट, फिर से यहां पे RNX Esports ने जबरदस्त वापसी करी है भाई साहब। लगातार बैक टू बैक दो राउंड जीत लिया RNX Esports ने। क्या RNX Esports भी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है रॉकी भाई। अरे वो एक्चुअली छेद 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 नहीं है गाइस, आप गलत मत समझना, एक्चुअली इसमें ग्रीन ग्रीन पैटर्न है, दैट्स व्हाई। और शर्ट नहीं है, टी शर्ट है एक्चुअली। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट आपने तो SDFC में काम किया है ना, तो वही तो बोल रहा हूं मैं। मैंने नहीं बोला, वो बंदा बोल रहा है कि पढ़ाई लिखाई किया था तो काम क्यों नहीं किया आपने। भाई बाकायदा काम किया, मैं तो 26-27 साल की उम्र में YouTube में आया हूँ, मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मैं डायरेक्ट मुंह उठाया YouTube में चला है। पढ़ाई लिखाई करी, उसके बाद YouTube मेरे लिए एक एक्सीडेंट था आप कह सकते हो। कुमार गलती कर रहे हैं, किस्मत अच्छी थी तो यहाँ पे ब्लैकी के ड्रैग से बच गए। रोशन सिंह, जय युग और कुमार, फर्स्ट ब्लड, पूरी कोशिश करते हुए RNX Esports के पास बढ़िया लीड देने का मौका है लेकिन यहाँ पे लेजेंड जब तक के कहता तक कुछ भी हो सकता है। लेजेंड की ओर से ट्रैक शॉट आता हुआ, लेजेंड का शॉट यहाँ पे अंत में जाके मिस आउट हुआ। पवन का खूबसूरत शॉट, डैगोज युग, और यहाँ पे रिवाइव की कोशिश जारी। जय, और ये हुमार चला दी यहाँ पे, फंस गए। जय पवन, 3-0 से RNX Esports लीड में, क्या जबरदस्त वापसी करी है। मिस्टर जय वाईटी की सक्सेस स्टोरी बताइएगा, जब खेल रहे होंगे जय तब बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये पोस्टर में लेजेंड के बगल में रावण जैसा खतरनाक इंसान कौन है? वो रावण भाई है हमारे, वो रावण भाई है हमारे। आप पूछते हो रावण भाई का फेस रिवील करो, वही तो बोल रहा हूं मैं, रावण भाई का फेस रिवील तो कर ही चुका हूं कितनी बार, वही तो रावण भाई है भाई। वो
उत्तराखंड भी रॉकी भाई आया, दो बार उत्तराखंड का टिकट काट के कैंसिल हो गए, बताओ दो बार, बिकॉज शेड्यूल ही बिजी होता है यूट्यूब, यूट्यूब के चक्कर में ना मैं कितने अरसों से छुट्टी नहीं गया हूँ, बताओ मेरे को याद नहीं मैंने कब आखिरी वक्त 7 दिन की छुट्टी ली हो गई, याद ही नहीं है मुझे, कभी वीकेंड पे गया ही नहीं हूँ ऐसा लग रहा है। बस एक बार फिर से गेम वापस आ जाए, थोड़ा चैनल और सेटल डाउन कर दूँ, उसके बाद एक सप्ताह की छुट्टी में मैं तो विदेश जाऊँगा, कसम से बता रहा हूँ विदेश जाऊँगा मैं। मार रोहन जय और युग मुकाबला करते हुए यहाँ पे टू साइड गेमर्स के खिलाफ, रोहन जय युग और कुमार मुकाबला कर रहे हैं RNX से, सामने की तरफ खड़ी है टू साइड गेमर्स, टीएजी लेजेंड अंशु और पवन, टीएजी लेजेंड पूरी कोशिश करते हुए, पवन और ब्लैकी बिल्कुल तैनात, मौका है वारदात पे 3-0 से अब आगे हो चुके हैं यहाँ पे RNX Esports। एक भी खिलाड़ी नॉक होता है TSG का तो ऐसे टूट कर पड़ रहे हैं जैसे बैक ऑफ हाइना शॉट, युग इस बार नॉक, इस बार TSG के पास कमबैक का मौका है, TSG के पास कमबैक का मौका है, रुकिए जरा बात ही करी थी कमबैक की बट ये पूरा का पूरा मौका RNX ने उनसे छीन लिया, पवन बिल्कुल अकेले अब। रॉकी भाई ये कौन सा जय है, ये RNX Esports का जय है, ईस्ट और वेस्ट, रॉकी मामू इज द बेस्ट, वो तो मैं हूं। शॉट बहुत बढ़िया शॉट, रोहन नॉक, कुमार और जय के सामने खड़े हैं पवन, कुमार और जय के सामने खड़े हैं पवन, 3-0 से लीड पे है इस वक्त RNX, ट्रिपल किल RNX Esports, सामने खड़े हैं पवन, कुमार ने रिस्क नहीं उठाया, जय बनाम पवन, पवन बनाम जय, और क्वाड्रा किल किया गया है कुमार द्वारा, क्वाड्रा किल भाई कुमार, 4-0 से लीड ले ली, क्वाड्रा किल किया गया है यहां पे कुमार के जरिए। MCA करके कौन HDFC में काम करता है, ये कौन सा लॉजिक है, HDFC करना था तो अकाउंट्स में करना था ना ब्रदर, अब मेरे को IT का जॉब जो था वो मिल रहा था पुणे में या चेन्नई में, बट दिक्कत ये थी दैट आई वाज द ओनली सन इन द फैमिली, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, पापा ऑलरेडी अब्रॉड में सर्विस करते थे, तो जो भी छोटी मोटी नौकरी मिल रही थी वो कर ली हमने, पहले HDFC में इंटर्न था, फिर धीरे धीरे प्रमोशन पाके जो है क्रेडिट मैनेजर बने, पढ़े लिखे थे, फिर उसके बाद क्वालिटीज अच्छी लगी, कम्युनिकेशन स्किल्स तो मेरी अच्छी है ही, देखते ही हो आप लाइव स्ट्रीम पे, थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाता होगा कम्युनिकेशन स्किल्स बनने के, उसी हिसाब से भाई धीरे धीरे थोड़ा एक्सपीरियंस मिला, तो मैं एरिया जनरल मैनेजर तक बना था, ATM तक था मैं, फिर उसके बाद यूट्यूब में थोड़ा अच्छा खासा कमाई होने लग गया तो छोड़ दिया, बढ़िया शॉट, कोशिश अच्छी थी लेकिन जबरदस्त वापसी, फाइनली TSG को वापसी करने का मौका मिला 1-4 से। अगर लेजेंड भाई गुजरात के लायन है तो जय भाई महारत्न का टाइगर है, महाराष्ट्र का, अच्छा महाराष्ट्र का टाइगर है, अच्छा ओके, रॉकी भाई डुम्मस आते हो आप, वो भी कोई अगर दोस्त आया हो या कभी घूमने को बोल दे चल रॉकी चलते हैं घूमने करके, तभी सीन क्या है ना मेरा शेड्यूल बहुत ही क्या बोले इतना चूतिया शेड्यूल है ना मेरा, क्या बोलूंगा ये, लोगों की छुट्टी होती है संडे, मेरी छुट्टी होती है मंडे, मतलब जब मैं फ्री होता हूँ तब कोई फ्री नहीं होता, बताइए। कुमार नॉकआउट हो चुके हैं, क्या करूं अभी जिंदगी ऐसी है क्रिएटर की, लेकिन बाकी दोस्त लोग बोलते तू कितना खुश है ना कितने पैसे कमाता होगा और हमको देख ले भाई, और मैं कहा भाई सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, थोड़ा कई बार लाइफ में आराम खुशियां भी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये कर करके तो कोई मतलब नहीं है, काश मेरे को थोड़ा मौका मिलता गाइस छुट्टियां मनाने का। बाकी लेजेंड अंशु और पवन मुकाबला करते हुए RNX Esports से, युग जय
शॉट यू के ऊपर कमाल का डैमेज आता हुआ। ब्लैकी ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, लेकिन जय के नॉकआउट के बाद अब पूरी जीत आप कह सकते हो सुनिश्चित हो गई है टू साइड गेमर्स की। पहला मैच यहां पे अगर आप देखें टू साइड गेमर्स ने जीता था, दूसरे मैच में भी 2-4 से अब टीएसजी ने वापसी कर ली, दूसरे मैच में भी टू साइड गेमर्स ने अब 2-4 से वापसी कर ली। फुल मैच कब है? आज रात को गेम वापिस कभी नहीं आएगा। हाँ मनाओ, खुशी है मनाओ। वाह रॉकी भाई, आपने ही बोला था विदेश क्यों जाते हैं लोग, हमारे देश में ही टूरिस्ट प्लेस है। ओजी केदारनाथ गई थी और आज आप ही विदेश जाने की बात कर रहे हो। नहीं, मैं एक बहुत बड़ा एक सप्ताह की छुट्टी ले रहा हूँ ना ब्रो, इसीलिए विदेश जाने की बात कर रहा हूँ, वरना मेरे को 2-3 दिन की 4 दिन की छुट्टी मिले तो मैं भी देश में ही घूमूंगा, फिर तो लॉजिक ही नहीं बनता। बहुत बढ़िया शॉट आ रहा है ना स्पोर्ट्स के, रोहन ने बैक टू बैक दो नॉक निकाल दिए। लेजेंड और पवन दोनों गए, अंशु भी गए, ब्लैकी भी मुझे नहीं लगता यहाँ पे ज्यादा देर बच पाएंगे। रोहन पीछे से आके ट्रैक लगा रहे हैं, रश करना पड़ेगा नेक्स्ट के प्लेयर्स को, काफी देर कर दी। युग तो आते आते रिवाइव भी हो गए। ब्लैकी बहुत बढ़िया एक्टिविटी निकाल रहे हैं, क्या बात है ब्लैकी, शॉट था बहुत बढ़िया। अंशु बिल्कुल अकेले, अंशु बनाम जाए, रोहन भी आए, ये गए 5-2 इज द स्कोर लाइन। RNX Esports मेकिंग अ ह्यूज कमबैक। पहले सब बोलते मेरे बेबी ने खाना खाया, अब सब बोलेंगे मेरे रॉकी भाई लाइव आ गए क्या। अरे यार आई एम फ्रॉम पाकिस्तान रॉकी भाई, बट पाकिस्तान उतना मजा नहीं आता जितना पाकिस्तान में उतना देखने का मजा नहीं जितना आप में आता है। अरे ब्रो ऐसी कोई बात नहीं ब्रो, आप अपने मुल्क के हिसाब से सोचें, अपने ईस्पोर्ट्स को सपोर्ट करें। मज़ा तो देखिए ऐसा है कि कोई एक शाउटकास्टर अगर पाकिस्तान में भी हो अच्छा खासा, तो आपको उनका भी खेल देखने में, उनका भी चैनल पे ये इस किस्म के लाइव स्ट्रीम देखने में काफ़ी मज़ा आएगा, वो बात नहीं, लेकिन अपने मुल्क के ईस्पोर्ट्स को ज़रूर सपोर्ट करें, किसी भी मुल्क से आप बिलोंग करें। रोहन आगे बढ़ते हुए कॉर्नर पर शॉट, ये जी लेजेंड नॉकआउट हो चुके हैं पवन और ब्लैकी। आगे बढ़ते हुए रोहन, जय, युग, RNX Esports से आगे बढ़ते हुए पवन और ब्लैकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। Esports ने कमबैक की सारी संभावनाएं सुनिश्चित कर दी। जय के सामने पवन खड़े हैं, जय आसानी से नॉक निकाल सकते हैं पवन का, बहुत बढ़िया हेडशॉट, बहुत बढ़िया। अकेले रह गए ब्लैकी, बिल्कुल अकेले, रश कर दिया गया इनके ऊपर, गए ब्लैकी गए, और बाप रे इसके फंसे भी नॉक लगा दिया इन्होंने, गए होमार चला दी, और 6-2 RNX Esports ने बहुत कमाल का कमबैक किया है। आजा भैया खाना, आजा खाना आ रहा होगा, अभी रास्ते में ही है, अराइविंग नाउ लिखा है, ऊपर आ रहा होगा बंदा। देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे। आगे बढ़ते हुए RNX Esports, ब्लैकी टीएसजी के सामने एक एक की अगर बराबरी कर ली तो फाइनल एनकाउंटर में जाएगा गेम, जो आखिरी मैच जीतेगा वो होगा विजेता। टीएसजी लेजेंड नॉक हो चुके हैं, रिवाइव कर तो रहे हैं, लेकिन युग का भी रश आ गया है, लेजेंड को बार बार नॉक किया जा रहा है, इसके बाद मौका लेजेंड को नॉक नहीं कर पाए, फ्लोर में बंदा आ गया। ओके जय जय, और कुमार चला दी, कुमार नॉक, ब्लैकी को नॉक करने का एक मौका मिलेगा, वो मौके पे कामयाबी मिल गई जय को,
फंस गई टीएसजी, अंशु नॉक हुए तो खेल खत्म। युग का रश, अंशु नॉक, लेजेंड अकेले, वो भी गए, बुरा फंसे हैं लेजेंड। दाएं बाएं दोनों से रश आता हुआ, रोहन नीचे गिरे, लेजेंड और अकेले दो प्लेयर को ले गए लेजेंड, अकेले दो प्लेयर्स को ले गए लेजेंड, गलत खेल गए जय और युग का ओवर कॉन्फिडेंस। रोहन बनाम लेजेंड, लेजेंड बहुत क्षतिग्रस्त है, मेडी नहीं नहीं है उनपे, रोहन बनाम लेजेंड बच नहीं पाएंगे यहाँ पे प्लेयर्स। कोशिशें अच्छी और लेजेंड और बाकी के प्लेयर्स उठते पड़ते आगे आ रहे हैं, कैसे बात बनेगी। लेजेंड को देख लिया, हेल्थ नहीं है लेजेंड पे, एक एक गोली के यहाँ पे लेजेंड और अंशु, अंशु को मेडिकेट लगाने का मौका जरूर मिलेगा। रोहन 1v2 हुमार चला दी, स्लो कर दिया इनको। लेजेंड बनाम अंशु, रिपेयर किट इस्तेमाल करी है इन्होंने, वॉल इन पे है, एक वॉल का इस्तेमाल करते हुए दाएं या बाएं, दाएं या बाएं, कहां से जाएंगे। लेजेंड के पास M10 है, फंस गया अंशु, फिर से हुमार चला दी, स्लो हो गए, एक नॉकआउट कर दिया। रोहन बनाम लेजेंड, और रोहन ने जिता दिया, जिता दिया रोहन ने, एक एक की बराबरी, मुबारक हो, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट रोहन, एक्सीलेंट, पेशेंस का सदुपयोग किया, सोची समझी रणनीति, और इसी के साथ एक एक की बराबरी हो चुकी है। अब व्हाट अ ग्रैंड फाइनल, व्हाट अ ग्रैंड फाइनल, आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स और टीएसजी के आर आमने सामने यहाँ पे आर पार की फाइट चल रही है। अंशु कौन है गाइस, प्लीज बताइए, जस्ट सेकंड गाइस, मेरा खाना आ गया। आ गए मोमोज, we'll be right back.
First blood. रुको, हेलो। हाँ, वो गलती से माइक बंद हो गया था गाइस, मेरा माइक बंद हो गया था, मेरा खाना लेने गया था ना, माइक बंद हो गया था मेरा। आ गया 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 अब वॉइस आ रही होगी गाइस आपको। EFF तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए, खाना लेने गया था ना गाइस, तो शायद माइक दब गया होगा मेरा। अब क्या करूं, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं यार। लैकी लेजेंड कनिष्क और पवन आगे बढ़ रहे हैं, कुमार रोहन युग 1-0 की बढ़ोतरी हो चुकी है RNX Esports के पास। फाइनल मैच ग्रैंड फाइनल्स का आखिरी मैच ग्रैंड फाइनल्स का आखिरी मैच चल रहा है यहाँ पे। रोहन जय युग और कुमार मुकाबला करते हुए यहाँ पे, टू साइड गेम का फाइनल मैच, फाइनल राउंड, फाइनल मैच माफ कीजिएगा, फाइनल राउंड बोल रहा हूं मैं, फाइनल मैच चल रहा है यहाँ पे। लेजेंड का गेम प्ले दिखाओ। ओके, साहिल कहाँ है बोला तो सही, टाइम आउट खाओगे तुम तब समझ में आएगा तुम्हें। आपका साउंड नहीं आ रहा, अब आ रहा होगा ब्रो, अब बिल्कुल साउंड आ रहा होगा। हेलो हेलो, हाँ अब तो साउंड, अब तो लेजेंड एक बार फिर से तेजी से आगे बढ़े, रिवाइव की कोशिश है या कुमार ने फाइट फाइट लिया है, हेडशॉट लगाया खिलाड़ी नॉक, हेडशॉट लगाया लेजेंड नॉक, क्या बात है, गजब का शॉट। कनिष्क ने अपना काम कर दिया, लेकिन पीछे से आके युग ने डबल किल करते हुए 2-0 की बढ़ोतरी यहां पे बना लिया है। आपका साउंड नहीं आ रहा रॉकी भाई, अभी भी नहीं आ रहा क्या, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अब तो आना चाहिए। हेलो, अब तो आना चाहिए साउंड। 2-0 हो चुका है स्कोर लाइन, 2-0 से आगे है। RNX के पास कोई स्नाइपर नहीं है, ऐसा कैसे चलेगा, जय तो रशर है रॉकी भाई, पता है मुझे, चल रहा है अभी तक तो काम चल रहा है, आगे चलकर कोई कदम उठाएंगे, एक बार गेम वापस आए फिर उसके बाद एक स्नाइपर, बढ़िया स्नाइपर लेंगे। गजब का शॉट लगता हुआ यहाँ पे, एक और जबरदस्त नॉकआउट, कनिष्क डैमेज हो चुके हैं, इनका नेट नेट गया, कनिष्क का नेट गया 3-0 वैकेशन थाईलैंड में जाना रॉकी भाई, नहीं मालदीव्स जाएंगे, मालदीव्स। मालदीव्स जाएंगे गाइस। मालदीव्स जाएंगे या पेरिस जाऊंगा। हाँ 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 ओके, रीमैच करना पड़ेगा, बैक करने बोलिए, नेट गया है। Double kill.
नेट गया है कनिष्का, मैंने बोल दिया है बैक करने के लिए, तो कितनी देर में बैक करते हैं, जैसे ये लोग बैक कर देंगे वैसे ही बैक हो जाएगा यार। ये इसका नेट भी अभी जाना था कनिष्का, सोचा था अभी आखिरी मैच है खत्म हो जाएगा, चुपचाप जाके खाना एंजॉय करूंगा। सिट यार, बैक कर दिया। कर दिया बैक, चलो। जुकाम हो गया है मुझे, एक मिनट दीजिए गाइस, दोबारा से कनेक्ट कर रहे हैं अपन। टीएसजी और आरएनएक्स का एक बार फिर से फाइनल राउंड होगा गाइस, नेट चला गया था वहां पे। डेस्ट्रॉयर भाई अचानक अचानक नींद से जाग जाते हैं। सेम आईडी पासवर्ड ना राउंड भाई, ये नया देना पड़ेगा। पता नहीं प्लेइंग, अरे तरुण, अरे कोई है ही नहीं यार, क्या बंदे हैं भाई। मुझे लगा लास्ट में, नहीं ये कस्टम तो डिसबैंड हो चुका है राउंड भाई, नया बनाना पड़ेगा। नया बनाओ, नया बनाओ। रुको मैं दे देता हूँ रुको, उन्हें लगा खत्म हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं दे देता हूँ यार राउंड भाई, लास्ट मैच में इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को यार, कसम से बता रहा हूँ। उसका नेट आखिरी मैच में जाना था यार। किसका गया था? कनिष्का। सोचा था अभी मस्त लाइव खत्म करके खाना वाना खा के सो जाऊंगा, फिर आधा घंटा और खींचेगा यार। उसकी भी क्या गलती, नेट तो किसी के कंट्रोल में नहीं है, अपना भी नेट जाता है राउंड भाई कई बार, क्या ही करें, है ना, वो भी सोचना पड़ेगा, अपना भी नेट जाता है, क्या कर सकते हैं। चल भैया आजा जल्दी, खुल जा वरना मैं दे देता हूँ। अरे थक गया यार राउंड भाई को, यहाँ पे 6 बजे लाइव, 9:30 को लाइव, सब लाइव ही लाइव है भाई, पका डाला है यार। रुको 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 रुको, करना हूँ कस्टम तो बहुत बढ़िया अपने पास, ब्लेस्ट वर्ड बना दिया, तुमको दे रहा हूँ आईडी पासवर्ड। ये लेजेंड को दिया, ये दिया राउंड भाई को, लो राउंड भाई आरएनएक्स को दे दो आप, लेजेंड भाई को मैं दे चुका हूँ, और मैं भी अब कस्टम में एंट्री ले रहा हूँ। एक सेकंड के लिए स्क्रीन काली होगी गाइस, ठीक है। अरे आईडी पासवर्ड लाइव में दिख गया, कैसे? अरे डिले है तो मेरे तो आ जाएंगे, उनको पासवर्ड चेंज कर दे रहा हूँ और नहीं आएंगे यार राउंड में, वही तो दिक्कत है, टाइम पे आ जाए तो दिक्कत क्या थी मेरे को, पासवर्ड चेंज कर देता हूँ रुको। अरे यार बड़ा झमेला है यार राउंड भाई यार, एक अकेले आदमी पे कितना कितना काम आ जा रहा है यार। भाग में माँ खराब, ये
पहले मैं एंट्री ले लेता हूँ, रुको. टाइम पे आ जाए रोहन भाई, तो मेरे को दिक्कत ही क्या थी. टाइम पे आते नहीं है प्लेयर, वही तो प्रॉब्लम है यार. आरएनएक्स आ गई, चलो मैं तो आ गया. पासवर्ड चेंज है रोहन भाई. ए यार बड़ा दिक्कत है भाई, एक अकेला कितना करूं यार रोहन भाई मैं. चलो स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, शुक्र है. चलो गाइस फाइनल मैच, लास्ट मैच. मजा तुमने बताया तब आपका माइक ऑफ था, बट सॉरी. हाँ हाँ मैं का गलत बोल रहा हूँ, हुआ होगा माइक बंद. चलो 3-0 से नहीं गाइस, 2-0 जब था ना तब कनिष्का नेट गया, उसको बाहर ही फेंक दिया, कस्टम से बाहर फेंक दिया था. रिकनेक्ट हो ही नहीं पा रहा था उसका प्लेयर, इसीलिए रीमैच करवाया. फाइनल है, ऑब्वियसली बात है दोनों ही टीमें पैशनेट है जीतने के लिए. जो फेयर होगा वही करूंगा, डोंट वरी. जो फेयर डिसीशन होगा वही करूंगा. बहुत बढ़िया शॉट, क्योंकि बिल्कुल अकेले और 1-0 से यहाँ पे टू साइड गेमर्स लीड पे आ चुकी है. अगर टीएस की जगह, टीएसजी की जगह कोई और टीम होती तो कभी रीमैच नहीं होता. हाँ सही कहा आपने, सही कहा. यही तो चाहिए हमको, यही जज्बा चाहिए हमको हेटर्स से. थोड़ा और नफरत करो गाइस, थोड़ा और नफरत दो ताकि हमें पता चले कितने सक्सेसफुल हैं हम लोग. थोड़ा और नफरत दीजिए हमें. अरे काम करो तुम ना, जितना हो सके ना लास्ट लेवल तक, मतलब गाली गलौज नहीं, ठीक है. गाली गलौज का प्रयोग ना करे, जितना वो कमेंट कर सकते हो ना वो उतना कर दो. लास्ट घर वालों पे नहीं और गाली नहीं, ये दो चीज, ये दो चीज को छोड़ के घटिया घटिया. घर वालों पे मत बोलो और भाई बाकी जो बोलना है बोलो. मैं तो अब ये भी बोलूंगा, जो मत बोलो. हाँ, गाली मत देना भाई, गाली मत बोलो, घर वालों को मत बोलो, बाकी जो बोलना है बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई. चलो कंपटीशन करते हैं, उसको अवार्ड 120 डायमंड का अपन करते हैं. चलो घटिया से घटिया बात बोल मेरी तरफ. अरे नेक्स्ट ई-स्पोर्ट्स बनाम टू साइड गेमर्स पहला राउंड जीती है टीएसजी. उस बेचारे का देखो रावण भाई, इसी टूर्नामेंट में हमने देखा था लेजेंड का पेट लग गया था तो बंदे ने गोलियां नहीं चलाई थी, ठीक है. तो ऐसे फेयर बंदे ने अगर रीमैच की रिक्वेस्ट करी तो मैं क्यों ठुक रहा हूं. लोग बहुत निर्दयी हैं, बड़ी आसानी से भूल जाते हैं रावण भाई, बड़ी आसानी से भूल जाते हैं. कल इसी प्लेयर की दिलेरी की तारीफ हो रही थी और आज पूछे रीमैच टीएसजी था बोल के आपने करके दिया. नहीं ऐसी बात नहीं है ब्रो, आरएनएक्स चाहे हमारे घर की टीम हो लेकिन जो फेयर है वही करूंगा ना. दो राउंड के बाद उसके एक प्लेयर का नेट चला गया तो वो कंप्लीटली अनफेयर हो जाता उसके. अब आरएनएक्स को कोई दिक्कत नहीं, आपको किस बात की दिक्कत है, मैं तो वो समझ नहीं पा रहा हूँ. भाई वो जबकि हमको मैच नहीं देना चाहिए, ठीक है. असल में देखा है तो होता है ना अपने आरएनएस के लिए सोचना चाहिए. देखो ऐसा नहीं है गाइस, जो फेयर है वही है ना. उसमें से मान लो इसकी जगह आरएनएक्स में से किसी एक का नेट जाता तभी रीमैच करवाना पड़ता, क्या करें. फाइनल चल रहा है, प्राइस पूल दांव पे लगा हुआ है भाई, मान सम्मान भी है ना, आसान थोड़ी ना है. लेजेंड को रिवाइव मिलता हुआ मिल जाएगा रिवाइव. गए का ड्रैग सही कनेक्ट नहीं हुआ, आखिरी ग्लू लगा दी लेजेंड ने, एक और ग्लू बची है. गए के पास काफी कम मौका है, यहाँ पे आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स ने एक एक की बराबरी कर ली. रिप्लाई तो रॉकी भाई आप इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्या आप स्पैम कर रहे हो, मुझे स्पैमर्स पसंद नहीं है. आप आराम से बात करेंगे मैं आराम से करूंगा, आप स्पैम करते चले जाएंगे मैं इग्नोर कर दूंगा. RNX e-sports अगर जीतेगी तो फेयर एंड स्क्वायर, चीटिंग नहीं.
चीटिंग नहीं या कोई डिसएडवांटेज सामने वाले को देखकर नहीं, हम चाहते हैं हमारे लड़के जब भी खेलेंगे बिल्कुल सीना तान के, हारेंगे भी तो सीना तान के कि अच्छा लड़के हारें, जीतेंगे तो भी सीना तान के, फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई, सामने कंपटीशन भाई, आप रिस्पेक्ट लेके जाओगे टीएजी की कि भाई कोई दिक्कत नहीं, हमारे एकले का नेट गया था, दोबारा से रीमैच हुआ, आरएनएक्स ने तब भी हमें हरा दिया, रिस्पेक्ट लेके जाओगे अगर जीतते हो, हार भी गए तो भी दिक्कत नहीं, आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तारीफ होगी, यही ई स्पोर्ट्स है, ई स्पोर्ट्स में बकलोली नहीं चलती, स्किल चलता है। जय बिल्कुल अकेले, एक एक की बराबरी है इस वक्त, लेकिन जय के पास मौके बहुत कम, बच नहीं पाएंगे जय यहाँ पे, कोशिश मर्जी उतनी कर ले जाए, लेकिन बचना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। ये देखिए नीचे आ गए, ओके जोन जहां बनता है लगभग उसी के आसपास हैं, बट मेडिकेट्स नहीं है इन पे। लेजेंड ओपन टेरिटरी में, लेजेंड नॉक, ग्लूवा लगा के कोई ना कोई बचा ही देगा, शॉट जी नहीं, लेजेंड को बचने नहीं दिया, शॉट कनेक्ट नहीं कर पाए, फेक डैमेज, जय काफी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, तीन प्लेयर्स के रश का मुकाबला करना लगभग असंभव। उमार चला दी उमार इन्होंने, लेकिन बात नहीं बनी, पवन ने यहाँ पे 2-1 के लीड दिला दी टू साइड गेमर्स को। दो एक से लीड में टू साइड गेमर्स, क्या RNX Esports यहां से इस मुकाबले को जीत सकती है, ऐसा कर सकते थे रॉकी भाई, RNX का एक प्लेयर हमेशा एलिमिनेट करवा देते, नहीं रीमैच मांगा है, एलिजिबल उनका डिमांड है रीमैच का, तो भाई दे दिया रीमैच, उसमें क्या बिगड़ गया हमारा, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग गया और क्या कर सकते हैं अब उसमें, इससे ज्यादा क्या ही बिगड़ जाएगा, 5-10 मिनट कई बार मैनेजमेंट कोई एड प्रोमो चला रही उसमें भी लग सकती है, हम प्लेयर्स को समझेंगे तो प्लेयर्स हमको समझेंगे, इस चीज को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, हम इनको समझेंगे तो ये हमें समझेंगे, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली बजाने के दो हाथ चाहिए रहते हैं, प्लेयर्स के बारे में सोचें तब वो आपकी सोचेंगे। 10 मिनट मेरे लिए भी फ्रस्ट्रेटिंग है, बट क्या करें, किसी के साथ नाइंसाफित नहीं होना चाहिए, बस सिंपल है, फर्स्ट ब्लड, हार जीत अपनी जगह, लेकिन नाइंसाफी नहीं होना चाहिए किसी भी प्लेयर के साथ, मुझे वो पसंद है। ये युग का नेट गया लग रहा है, ओके युग बच गया, और बहुत स्लो हो गए हैं ये, लैकी के ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया था जय ने, बात नहीं बनी, ऊपर पवन भी खड़े, स्पोर्ट्स शॉट बहुत ही बढ़िया, पवन को नॉक नहीं कर पाए, लेकिन इतने कमाल के शॉट्स के बावजूद लेजेंड ने अपना काम कर दिया, जय बिल्कुल अकेले, डबल किल, जय बिल्कुल अकेले, शॉट बहुत बढ़िया जय, क्या बात है, पवन ने अपना काम कर दिया, 3-1 से TSG यहां पे लीड पे आ चुकी है, टू साइड गेमर्स यहां पे लीड पे आ चुकी है, ओके भाई मुझे भी टूर्नामेंट खेलना जरूर खेलिए, रॉकी नुबड़े RNX फैन हूं, ज्यादा मत बोल बहुत मारेगा, अरे भैया अरे बाप रे, RNX Esports रोहन जय युग और कुमार मुकाबला करते हुए यहां पे टू साइड गेमर्स का, कुमार को फिर से नॉकआउट का सामना करना पड़ा है, TSG बहुत जबरदस्त कमबैक करते हुए, और क्या बात है, कुमार से कुमार को नॉक कर दिया गया है, फाइट से पहले फाइट ऑन है, लेजेंड कमाल के फॉर्म में, बहुत बढ़िया शॉट, दो नॉकआउट बैक टू बैक रोहन से, शॉट कनेक्ट करने के लिए लेजेंड से दो दो हाथ करनी पड़ेगी, बहुत बढ़िया तेज लूप, अगर रिवाइव मिल गया दिक्कत में डाल देंगे,
बाई ओर बंदा है, बाई ओर दो प्लेयर्स हैं। गलत जगह युग का निशाना, तीन प्लेयर्स हो गए। अब अगर शुरुआती पल में ही नॉक मिल जाता तो ये युग के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता था। आगे बढ़ते हुए आरएनएक्स युग एक बार फिर से युग के पास मौका है। लेजेंड पवन और कनिष्क मुकाबला करते हुए आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स से रोहन और युग आमने सामने। लेजेंड तेजी से आगे बढ़ते हुए लेजेंड पवन और कनिष्क, युग और रोहन पूरी कोशिश करते हुए। लेजेंड पवन और कनिष्क का मुकाबला युग और रोहन से। दो हो चुके हैं और अभी भी मैन टू मैन एडवांटेज टीएसजी के पास है। रोहन और युग क्या अकेले यहां पे टीएसजी का सामना कर पाएंगे? बहुत बढ़िया, तेज ग्लू लगाते हैं, फंस गए युग, गए काम से रोहन, 4-1 से टीएसजी लीड पे। बहुत बढ़िया, मामू 3-0 से आगे आरएनएक्स जीतना। नहीं 3-0 नहीं, एक्चुअली जब पिछले मैच में 2-0 था तभी वो कनिष्क का नेट चला गया और नेट जाके उसको मतलब पूरा बैक ही फेंक दिया, अंदर नहीं आ पा रहा था बंदा। अबे कोई दिक्कत नहीं है गाइस, आप लोग बहुत सीरियसली लेते हो, टैलेंट होगा आरएनएक्स में जीत जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बैकअप दीजिए, आपको लगता है अगर आरएनएक्स में अभी भी दम है जीतने का तो जीत जाएंगे भाई, उसमें क्या हो गया, वरना टीएसजी जीत जाएगी। अच्छा खेलते रोहन, नॉकआउट हो चुके हैं, जो बहुत बढ़िया शॉट था लेकिन नॉक नहीं कर पाए, डैमेज जरूर दिया था। जय और युग को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया शॉट, जय फर्स्ट ब्लड, कोशिश करते हुए जय और पीछे से पवन का जबरदस्त शॉट, 5-1 से लीड में आ चुके टीएसजी। अरे आप लोग क्यों ऐसा बोल रहे हो यार, पांच एक हो चुका है स्कोर लाइन टीएसजी के पास जीतने का एक। और बहुत ही जबरदस्त शॉट, पवन ने क्या गजब का गेम दिखाया है, टीएसजी बहुत जबरदस्त खेल, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत जबरदस्त गेम प्ले। जय क्रोध में रश करने की कोशिश की थी बट बात नहीं, पेशेंस चाहिए इसमें, पेशेंस चाहिए, आप लीड को तभी ओवरकम कर पाओगे। युग आगे बढ़ते हुए, युग बनाम पवन, पवन का जबरदस्त शॉट, युग नॉक होने वाले हैं। रोज में हमला किया गया था, बात नहीं बनी, रोहन बिल्कुल अकेले। 6-1 हो चुका है स्कोर लाइन, 6-1 हो चुका है स्कोर लाइन। 6-1 इज द स्कोर लाइन। क्या आरएनएक्स अभी भी यहां से वापसी कर सकती है? 6-1 हो चुका है। डैमेज हो चुके हैं यहाँ पे पर्टिकुलर इस राउंड में, लेजेंड और पवन ने मिलकर 15 किल अकेले किए हैं। आरएनएक्स ईस्पोर्ट्स के पास मौका है,
रोहन नॉक हो रहे हैं बार बार, हर बार पहला नॉकआउट रोहन का जा रहा है। लुक भी फंस गए यहाँ पे। First blood. कोशिश अच्छी करते हुए युग। फंस गए TSG on a victory. TSG टू साइड गेमर्स एक आसान सी जीत दर्ज कर सकते हैं यहाँ पे। और काफी स्लो डाउन हुए थे, और इसी के साथ टू साइड गेमर्स ने जीत लिया है मार्कोस इन्विटेशनल का सीएस कप। मुबारक हो टीएसजी, बहुत बढ़िया। कांग्रेचुलेशंस टू द टू साइड गेमर्स। लास्ट मैच में 7-1 से यहां पे टीएसजी ने ये मुकाबला जीत लिया। जी हां गाइस, 7-1 से यहां पे टू साइड गेमर्स जीत गए हैं। इवन दो कुछ लोग कंप्लेन कर सकते हैं पहला मैच रीमैच हुआ, बिकॉज दो राउंड के बाद या तीसरे राउंड के बाद वहां पे अगर आप देख रहे हो टीएसजी का एक प्लेयर का नेट गया था, बट यहां पे आखिरी मैच में भी उन्होंने 7-1 से आरएनएक्स को हराया, विच इक्वली वैलेंट कि आप कह सकते हो वहां पे अगर टीएसजी होते तो अभी भी 7-4 या 5 राउंड होते, टीएसजी स्टिल विन द मैच। ई स्पोर्ट्स में एक्सक्यूज नहीं गाइस, प्रॉपर चीजें चलती हैं, एंड रीमैच वॉज एलिजिबल इसीलिए। अरे भैया, बंदे का नेट गया तो रीमैच करवाना पड़ेगा। क्लैश क्वाड है मेरे भाई, फुल मैप नहीं है। एक बंदे के डिसएडवांटेज में टीम कैसे खेलेगी फाइनल मैच? आप लोग बहुत जल्दी उस चीज को दिल पे ले लेते हो मेरे भाई। आप सोच के देखिए, अगर ये वही मैच चल रहा होता, अगर वो मैच भी चल रहा होता तो उसके हिसाब से भी अगर आप देखें तो टू साइड गेमर्स ने आखिरी मैच 7-1 से जीता है। 7-1 से, तो मैक्सिमम स्कोर लाइन भी 7-4, 7-5 ही होता, तब भी टीएसजी जीती हुई होती। उस चीज को लो ना, उन्होंने एक साइड डोमिनेंस दिखाते हुए लास्ट राउंड जीत लिया टीएसजी ने, कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्या हो गया? दूसरे राउंड के बाद उनका नेट गया था पहले मैच में। चिल गाइस, चिल एंजॉय कीजिए जैसे मैं करता हूँ। तो गाइस चलते हैं, खाना वाना खाते हैं, 6 बजे फिर से मजदूरी पे लगना है। मजदूरों का खाना आ गया है, रोटी और कांदा। आप लोग भी एंजॉय कीजिए, मिलते हैं आप सबसे गाइज IGL नेटवर्क पे 6 बजे, और मिलते हैं आप सबसे गाइज रात के 9:30 विद द ग्रैंड फाइनल्स। तो